हाँ जी, सबको राधे राधे। हाँ जी, सबको राधे राधे। राधे 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 गुरु राधे जी, राधे 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 राधे। कैसे राधे गुरु जी, हो आप राधे लोग, राधे। कैसे हो? बहुत बड़ी बढ़िया सर, बहुत सब बढ़िया। मुझे कोई पूछता है तो क्या बोलता हूँ मैं बहुत हरामी हूँ। बढ़िया। कैसे हो तो क्या बोलोगे? हाँ जी हाँ जी, आनंद मंगल। मैं आनंद मंगल नहीं बोलता, मैं बदमाशू बोलता हूँ। कैसे हो तो मैं बदमाशू बोलता हूँ। चलिए सबको राधे राधे, सबको चलो फिर राधे। सब राधे अपना अपना म्यूट कर लीजिए, अपना अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। पहले पहले अपना अपना म्यूट कर लीजिए और अपना अपना वीडियो ऑन रख लीजिए। राधे। हाँ जी, अपना अपना वीडियो ऑन रख लीजिए। चलिए, कल का क्या था, मूलांक कैसे निकालते हैं, कल का थोड़ा सा देख लेते हैं। मूलांक निकालते हैं डी प्लस डी प्लस एम प्लस वाई 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 वाई, करेक्ट है ना? मुझे एक बीमारी है, जो पढ़ाया हूँ सब उल्टा पुल्टा बोलता हूँ, मुझे पता नहीं आप लोग। हाँ जी मैं सर इसको करेक्ट कर देता हूँ। मूलांक होता है सिर्फ आपकी बर्थ डेट को। ओके, मतलब डी डी आए तो मूलांक हो जाता क्या? जी, डीडी ऐसे मूलांक। अच्छा, मतलब किसी का आज 16 तारीख है, मूलांक 16 हो जाएगा क्या? नहीं, सेवन हाँ होगा, सेवन होगा, तो सेवन हो जाएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा, कि डी सात हो प्लस जाएगा टी सर। डी प्लस टी। करेक्ट करेक्ट सर। चलिए नेक्स्ट। हुआ नंबर फॉर मेल इज 4 प्लस YYY। कौन बोलेगा? सर कुआ कुआ नंबर फॉर मेल इज इक्वल टू नंबर इलेवन इलेवन माइनस माइनस ईयर, अंडर इलेवन माइनस ईयर, वाई प्लस वाई प्लस वाई, उनको उनका टोटल करने के बाद उसको इलेवन से माइनस कर देंगे। सपोज करो टू ओके। थाउजेंड ट्वेंटी फोर है, 2024 है, तो चार पाँच आठ हुआ सर, इसका टोटल आठ हुआ। चार तो आठ मेल आठ आठ क्या हुआ? कैसे फिर ईयर का टोटल, ईयर का टोटल डिजिट का आया टोटल, ईयर आठ? कैसे आया? टू प्लस जीरो प्लस टू प्लस फोर, हाँ तो एट हुआ। चल, तो इलेवन माइनस एट करेंगे तो थ्री आएगा फॉर मेल, और फीमेल आएगा एट प्लस फोर ट्वेल्व, इसको उसका भी थ्री आएगा। ओके सर, ये आपने कल बताया था, इस बार तीन तीन ही आएगा। हाँ जी चल। और एक सन यानी 9 नंबर का सन होता है, एक नंबर यानी एक नंबर मार्स का का, मार्स यानी एक नंबर होता नौ नंबर, नहीं सर, सन एक होता है, मार्स नौ नंबर होता है। अपोजिट है सर दोनों। ओके गुड। और 4 नंबर केतु होता है और राहु, 7 नंबर राहु होता है। तो चार चार नंबर नंबर राहु, राहु उस सात पर राहु होता है, सात केतु, नंबर केतु राहु होता है है। और सात सर आप केतु। रेसिप्रो का बता रहे हो। अरे मुझे पता नहीं, मेरे को बीमारी है ना, क्या करूँ, बीमारी हो जाती है, क्या करते, कुछ भी नहीं कर सकते। रेसिप्रोकल। अच्छा, एक नंबर वाला बहुत स्मार्ट होता है, स्मार्ट नंबर कौन सा है? सबसे ज्यादा स्मार्ट पांच नंबर, चालाक नंबर। पांच पांच चार चार पांच पांच मार्स 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 नहीं होता है चालाक, छह नंबर, 5 नंबर होता है। पांच एग्रेसिव नंबर कौन सा है? नाइन नाइन नाइन। नाइन 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 सर। मार्स जो जो बंदा दिमाग से काम नहीं करता है उसका नंबर कौन सा हो सेवन सकता है? केतु, सात नंबर। सेवन 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 आठ सेवन। नंबर केतु। हाँ, जो बहुत पॉलिटिकल कर सकता है, मेंटल गेम कर सकता है, उसका नंबर कौन सा हो सकता है? फोर हाँ, राहु, फोर। फोर जो ज्ञानी है, काउंसलर है, फाइव ज्ञानी है, तीन मंकी, नंबर, तीन तीन नंबर, थ्री नंबर, जुपिटर, सॉरी जुपिटर, थ्री 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 जुपिटर, जुपिटर, थ्री नंबर। थ्री।
पक्का बाद में कर लेना, बोलो बाद में चला देते। क्या मैंने इतना क्लियरली लिखा कि लोगों को कि मेल आईडी में पासवर्ड आता है, फिर भी लोग मेल आईडी चेक नहीं कर पढ़ते नहीं है? तो ठीक है, मैं देता हूँ, फिर भी नहीं आए। एक काम करो, सेलो टेप थी हम तो हाँ, सेलो टेप का नंबर कौन सा है? स्टार्ट सेलो टेप कोई बोल रहा है, लेके आओ नंबर। तो मैं बोलता हूँ सेलो टेप का नंबर क्या है। चलिए, और जो काउंसलिंग काउंसलिंग करता है, मेंटर करता है, गाइड करता है, उसका नंबर कौन सा हो सकता जुपिटर है? थ्री। जो भोग भोग एट जो भोग सर, पिलाता, एट एट नो नो जुपिटर जुपिटर। और प्लीज जो वो हमेशा राइट और रॉन्ग जजमेंट करते रहेगा, उसका नंबर कौन सा होगा? सैटर्न आठ। एट आठ एट आठ एट नंबर शनि का एट एट सर ओके। जो एट लकड़ी लकड़ी टिक के चल सकता है, वो कौन सा नंबर? वन नौ। लकड़ी टिक के चलता है, बूढ़े की लकड़ी है। सेवन नाइन सेवन नाइन 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 कैसा होता बता? नाइन कैसा होता? सर लकड़ी कहाँ, लकड़ी कहाँ? केतु केतु हाँ केतु। सेवन सेवन वो हाँ, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी है, सिक्योरिटी है, राजा का नाइन नंबर नाइन सर। नाइन वन नंबर, नाइन वन नाइन वन नाइन सर। राजा तो वन हुआ। नंबर सिक्योरिटी नाइन देने वाला कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी देने वाला कौन है बताओ मेरे को। नाइन नंबर नाइन 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 है ना, नाइन है ना। नाइन नेक्स्ट नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन। मोदी, अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर, राष्ट्रपति को जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, उसको कौन सा नंबर से कंपेयर नाइन करते हैं? सुरक्षित नाइन। नाइन सोच नंबर नाइन सर के बोल, दो में जो आया मत मत बोल। नाइन सर नाइन नाइन नंबर मार्च नाइन हुआ। फिर से बोल रहा हूँ, प्राइम सर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बॉडीगार्ड्स, राष्ट्रपति के बॉडी। अभी हाँ जी, वो फोर। कैसा सर नाइन सेनापति कैसा हुआ? नाइन बताओ, मैं कैसे हो बनाए वो बताओ। राजा की सूरी का नंबर है, एग्रेशन का नंबर है और कुछ भी नहीं आया दिमाग में, सोचो। मतलब आप लोगों ने राहुल कल का सर सेनापति हुआ, सर सेनापति सेनापति हुआ नौ नंबर सर हाँ। तो फिर बॉडीगार्ड कौन होते हैं? सर ये मास्टर सेक्टर हुआ, 7 नंबर केतु होंगे सर, बॉडीगार्ड क्या? केतु 7 नंबर नहीं सर, नहीं नहीं आएगा। नहीं सर, नाइन ही नाइन होगा, नाइन सुरक्षा नंबर ही देने होगा, वाला 9 नंबर और सर नाइन नाइन को, गेट। सेवन को तो खुद सहारा चाहिए, दिमाग दिमाग, उनके पास दिमाग नहीं नाइन होता, नंबर केवल है अरे नाइन, नौ नंबर सुरक्षा एक देता है मिनट सर एक मिनट एक सर मिनट। फोर नंबर बॉडी का खाली एक ही चीज को, क्वेश्चन को पहले समझो। एग्जाम है आप तो क्या कुछ भी बोल दोगे? मैंने कहा कि मोदी के पर्सनल बॉडीगार्ड जो ब्लैक कमांडो हो सकते हैं, जेड फोर सिक्योरिटी देते नंबर हैं, वो कौन से नंबर से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? नाइन नाइन जो सर नाइन, फोर जितने फोर बड़ा फोर नाइन को मुझे 1000 रुपीज मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। सर नाइन कैसा फोर था? सर फोर है फोर, देश की सुरक्षा करने वाले 9 नंबर होते हैं, मैं कल ही सेवन बोला। नंबर होंगे जिनके पास दिमाग नहीं होता, केवल और केवल वो अपने उस पे ध्यान देते हैं। हे भगवान, हे भगवान, गई पानी भैंस में, भैंस गया पानी में। तो 4 नंबर है सर, 4 नंबर है ना। ओके चार 4 नंबर क्या है? अच्छा, आप एक प्लानिंग लड़ नहीं, गुंडा हाँ गुंडा गुंडा वाला, गुंडा रॉबिन हुड रॉबिन पर्सनालिटी हुड पर्सनालिटी। 4 नंबर मतलब पर्सनल बॉडीगार्ड। आपके वॉचमैन के घर में, जो वॉचमैन है आपके बिल्डिंग का, सिक्योरिटी गार्ड कौन से नंबर से आते हैं? कौन से नंबर से फोर आते हैं? 4 से आते हैं। चलिए, मूलांक हो गया, भाग्यांक हो गया। आने वाले जो प्रॉब्लम्स है,
उसको हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कहते हैं। स्वॉट नहीं एनालिसिस, सर, हाँ जी बोलो, कौन सा तुम बोले? हे भगवान, कुछ भी बोलते हो मन में आए सर। व्हाट मतलब 40? रिकॉर्डिंग आपने देखी नहीं, मेरे पास सुनी भी नहीं, जबकि मैंने रात को 1 बजे डाला था, 12:30 बजे डाला था, 1 बजे डाला, जागकर डाला वो आई था मैंने। थिंक पहले क्वेश्चन तो समझ बेटा लो ना मेरे, सुन लो मेरे भाई, पहले क्वेश्चन सुनो। कोई बेटा कंपटीशन नहीं है, कोई मोदी आके हमें पुरस्कार देने वाला नहीं, ना आपको देने वाला, ना मेरे को देने वाला। पहले क्वेश्चन समझो ना। मैंने बोला कि स्वॉट, SWOT एनालिसिस क्या क्या होती, बोलती कल बताया था, लिखाया था, SWOT, यस सर, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, वीकनेस वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। सर ये संतोष, अब भूख भूख कहाँ से आ गए अब? हाँ जी, रात को 12 से 1 बजे, बारह से स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। हाँ ओके। अब मुझे ये बताओ, हाँ जी, जो जो वीडियो आने रखा है, हम गोइंग टू रिमूव है। हाँ जी, सो तो सॉरी टू से, बट मैं बार बार नहीं बोल सकता हूँ, जो इस इंटरेस्टेड है दे कीप वीडियो ऑन, अदरवाइज प्लीज एग्जिट फ्रॉम माई, इवन ग्रुप से भी एग्जिट हो, मुझे कोई फर्क नहीं। जा रही हूँ मैं जल्दी, तबीयत ठीक। नेक्स्ट, जो SWT हो किसको बताता है, कोई बोलेगा कहां पर देखते हैं? सर वो स्ट्रेंथ वीकनेसेस एंड अप एंड डाउन्स बताता नहीं कौन है, अपॉर्चुनिटीज बोले एंड सर? थ्रेट। मुनीष मुनीष बोल रहा था सर। स्ट्रेंथ नहीं, एंड वीकनेस डिपेंड्स ऑन डेथ ऑफ बर्थ एंड हाँ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, अप्स एंड डाउन्स और फ्यूचर। सर, नोट तो देख लो ना, मैंने कोई नोट कॉपी तो करो नहीं, चल वो नोट देख के बोली कर मल्होत्रा। अच्छा राइट, एटलीस्ट नोट तो पता है ना, क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट? मास्टर नंबर बोल दिया क्या मैंने? नहीं सर, बताइए, अपॉर्चुनिटी किस पे डिपेंड होती है वापस बताना। अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर। हाँ नहीं अभी इन्होंने कल कुछ बोला ना। जाके कल का वीडियो एक बार वापस पूरा अच्छी तरह सुन के नोट्स बना, तो इजी रहेगा आज के साथ 2 घंटे, कल 4 घंटे बैठ के नोट्स बना। चलिए, अब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ पे DDMMY होती है, उसमें कुछ नंबर होते हैं, उसे स्पेशल नंबर कहा जाता है। देख लीजिए, पास कीजिए, क्योंकि 5 दिन 1 दिन तो कैसे निकल गया, कल तो पास काफी डिस्टर्ब। हाँ जी, कल भी इसी तरह से रजिस्टर होके आना पड़ेगा। ओके हाँ जी, लिखते जाइए। आपके डेट ऑफ बर्थ में से 3 नंबर निकले थे, ओके, उसे गुणांक भाग्यांक हुआ नंबर, ये क्लियर है? अब इसके अलावा ये जो है वो रॉ डाटा है, ये डायरेक्ट नंबर्स है, ये जो मूलांक भाग्यांक हुआ नंबर DDMMY जो नंबर्स आ रहे हैं वो डायरेक्ट नंबर, इनडायरेक्ट नंबर नहीं। ओके, अब कौन है? संतोष जी, अपने बच्चों को डांटना नहीं तो क्या करते, इनडायरेक्टली बोलते हो ना, कभी कभी इनडायरेक्टली बोल देते ना, बोलते नहीं बोलते हैं हम सर, यस कंपेयर। सर, देख बाजू वाला बच्चा कितना होशियार हो गया, उसको नहीं बोलते, तुम बेवकूफ नहीं बोलते। यस सर, देख कितना, मतलब कहने का मतलब है कि मेरा सिंपल बोलने का मतलब है कि हम इनडायरेक्ट, तो जब इनडायरेक्ट नंबर्स भी होते, इनडायरेक्ट नंबर्स होते हैं आपके कुछ नहीं। मास्टर नंबर्स,
इनडायरेक्ट नंबर्स होते हैं आपके मास्टर नंबर्स, कार्मिक नंबर्स, चैलेंज नंबर्स, लकी अनलकी नंबर्स, चल। अब जो मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन कितने होते हैं? 108 होते हैं। मूलांक और भाग्यांक के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो 108 होते हैं, करेक्ट है ना? कितने होते हैं? कौन बोलेगा? हाँ जी, कितने होते हैं? 81 81 81 81 कैसे कैसे 82 कैसे कैसे एक, 981 अरे सर, पूनम, 81 एक मिनट एक मिनट, पूनम जी ने बोला है, पूनम ने बोला है एट, सर, एट्टी कैसे वन एट्टी नहीं 82 कैसे वन होते हैं? 82 कैसे हो, पकड़ लिया, कैसे नहीं होते सर, होते, 81 कैसे कैसे होते बताए मेरे को। सर, 81 एक से एक लेकर से नौ तक नौ जाएंगे और सर, नौ से नौ, एक से अरे लेकर, और भाई फिर नौ नौ से को नौ से नौ से नाइन नौ से इंटू नाइन मल्टीप्लाई कर देंगे, सर। 81 हो अरे जाएंगे। पूनम जी, ऐसा कुछ मत समझ, मैं तो सबको याद दिला, 81 याद करवा रहा हूँ, ये याद कराने का तरीका होता है। ओके हाँ जी, 81 हो गए। चल अब 82 किसका आएगा? मेरा आएगा, आपका आएगा? तो नहीं आएगा किसी किसी का सर, किसी का नहीं आएगा का का, नहीं या आएगा सर, किसी किसी का किसी नहीं आएगा सर। का भी? चल भाई, याद हो गए, सभी याद हो, कल भी याद करवा दूंगा। अब मास्टर नंबर जो है 3 होते हैं, 11 22 और 30। ग्यारह बावीस 33, 11 22 और 33 को मास्टर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर नंबर। मास्टर नंबर का मतलब क्या है? मास्टर चेफ, मास्टर मतलब एडिशनल पावर, उसके पास एडिशनल स्किल्स है। ओके अब 11 22 और 33 कहां पर आ सकता है? मूलांक या भाग्यांक के आस पास। अब मूलांक में कैसे आएगा? 11 तारीख है तो वो मास्टर नंबर हो गया, 22 है तो मास्टर नंबर हो गया, कौन सा? डीडी मतलब मूलांक मास्टर हो गया। और 29 आया तो कोई भी नंबर सिंगल डिजिट करने से पहले, कोई भी नंबर सिंगल डिजिट से करने से पहले, मैं उनको एक बार, जो ऑलरेडी नंबर जानते हैं उनको कह दूं, ये मेरी मेथोडोलॉजी टोटली डिफरेंट है। कोई भी 29 को मास्टर नंबर नहीं मानता है, बट मैं मानता हूं मास्टर, इसीलिए कंपेयर मत करो। 29 भी मास्टर नंबर। कैसे? सिंगल डिजिट का मतलब क्या है? सिंगल डिजिट किसका आएगा फिर? 29 का क्या आएगा? 11 आएगा ना, 2 प्लस 9 11 आएगा, उसके बाद में 2 आएगा। ओके सिंगल डिजिट निकालने से पहले यदि 11 22 और 33 आता है तो उसे मास्टर नंबर। क्या 33 आएगा अगर डेट ऑफ बर्थ डीडी में आता आ सकता है क्या? पूनम का नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ 33 तारीख को बर्थडे है, हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, तो 33 आ ही नहीं सकता। सिंपल याद रख, 11 22 आ सकता, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 11 आया तो वो मास्टर नंबर कहलाता है। उसको लिखते कैसे? उसको लिखना है, सपोज 11 तारीख है और सॉरी सॉरी 2008 है, शेयर हो रहा क्या? हाँ जी, तो ये डीडी कितना होगा? 11 हो गया ना, ये मास्टर नंबर है। इसको कैसे लिखते हैं? 2/11 लिखते हैं मास्टर नंबर। किसी भी तारीख, जन्म तारीख में 11 22 है तो कैसे लिखेंगे? अगर 22 है तो 4 बाई 2, 22 का क्या होता है? 4 आता है। और फिर 29 से आए तो इसको भी 11 बाई 2। क्लियर होगा? ये कहां पर आएगा? क्लियर नहीं हुआ? जन्म डीडी तारीख, डीडी क्या है?
स्टिल शेयर नहीं हुआ क्या अभी? हाँ जी हाँ बोलिए। स्क्रीन शेयर समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया? सर, नहीं स्क्रीन पहले ये शेयर हुआ, नहीं, स्क्रीन शेयर हुआ क्या? क्योंकि आई एम यूजिंग वेबिनार मोड, पहले फर्स्ट टाइम यूज कर रहा था। स्क्रीन शेयर हुआ था सर, स्क्रीन अच्छा शेयर हुआ था। ये बोलो बाकी लोगों के पिक्चर दिख रहे क्या आपको? बाकी पार्टिसिपेटेंट के पिक्चर दिख रहे क्या आपको? नाम दिख रहे क्या? दिख हाँ वो रहे दिख सर रहे हैं सबके? सर, एवरीथिंग सर, स्क्रीन, हाँ स्क्रीन शेयर हुआ था, लेकिन नहीं मैं नहीं समझ नहीं नहीं। बाकी पार्टिसिपेंट पूनम जी दिख रही क्या आपको? हाँ मैं इधर सर है, यस है आई कैन ना? सी। हाँ हाँ ओके ओके ठीक है, सेटिंग में पीछे जी, या फिर शायद दूसरा बोल लीजिए ना। अब देखो ये तारीख है, ये तारीख है। हाँ जी बोलिए। हेलो करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट। ये तारीख है, इसमें 11 क्या आ जाएगा? क्या होगा 11? डीडी 11 11 डीडी 11 22 33 होगा, मास्टर नंबर होगा नहीं होगा? तो ये 11 मास्टर नंबर है नहीं है यस ट्रू सर, तो लिखते कैसा है? तो 11 का डीडी क्या हो जाएगा इसका? दो नहीं हो जाएगा? यस दो के ओके दैट साथ, वी विल दो के साथ 11 भी तो है ना, से ओके। तो दोनों भी आएंगे। सो बीस डीडी को हम ऐड कर लेंगे, तो जो नंबर आएगा बाय यस डायरेक्ट ऐड यस उसका जो कर होगा वो जो डीडी का नंबर आएगा प्लस देंगे। स्लैश 11, मतलब तो वो 11 मास्टर नंबर है ये समझाने की। 22 आए तो 22 तारीख नहीं तो चार चार डीडी बाईस हो गया, चार चार बाईस चार हो बाईस गया, चार बाईस चार बाईस करेक्ट। फोर और 33 आया तो डीडी में 33 आया तो 6/22 लॉस 33 नहीं आएगा सर, 33 नहीं आएगा। नहीं आएगा अच्छी यस 33 चलो। 33 नहीं आएगा। किसी का भाग्यांक में 11 22 33 आ रहा क्या? सिंगल डिजिट करने से पहले किसी का आ रहा क्या भाग्यांक आ सकते हैं, भाग्यांक? आ सकते हैं किसी सर। नहीं, किसका आ रहा मतलब? नहीं भाग्यांक में 33 आ सकता है नहीं आ सकता है? आ नहीं आ सकता सकते सर, भाग्यांक भाग्यांक में आ सकता है? में आ सकते हैं, भाग्यांक भाग्यांक में में आ आ सकता सकते है, हैं सर, आ आ सकता सकता है है सर। सर, यस भाग्यांक में आ में आ सकता है, सकते हैं सर, भाग्यांक में आ सकता है। करेक्ट आ सकते हैं। किसी का 11 से 2 आ रहा क्या भाग्यांक में? सिंगल डिजिट करने से पहले 11 22 33 आ रहा है क्या बताइए? किसी का आ रहा क्या? किसी का नहीं आ रहा। 99 तो सर मास्टर आ नंबर आ रहे हैं 11, रहे हैं क्या? चलो एक जो बोलना ठीक, मूलांक मूलांक 11 मूलांक मेरा मूलांक ने भाग्यांक तो बोल, सर, भाग्यांक मेरा ने आ रहा किसका? सर, मेरा भी भाग्यांक नहीं या 29 आ रहा है सर, सर 33 आ रहा है, मेरा आ रहा 11 है। है। एक मिनट गोयल का देखते हैं, मुझे डेट ऑफ बर्थ एक सेकंड सर भाग्यांक 29 आ रहा है, सर, मेरा भी सर भाग्यांक थर्टी 29 आ रहे हैं सर, थ्री एक मिनट भाग्यांक इसको, ट्वेंटी ये नाइन एक मिनट एक मिनट, मेरे को इसको इसका बोलने दो, मेरे को किसका बोला था? हाँ जी किसका नाम लिया था मैंने अभी? हाँ बोलो आप बोलो। 33 जिसका आ रहा था बोलो। सर मेरा हाँ आ रहा है थर्टी 14/10/1989, इसका टोटल धीरे धीरे, 33 आ अरे रहा अरे धीरे धीरे 14 10। है। 10 अरे मैं टाइप तो कर, हाँ मित्र, हाँ जी 10। हाँ जी 1989 नहीं हिंदी इंग्लिश में बोलो, मैं इंग्लिश बोलो। 1989 1989 1989। अब मूलांक 5 आ गया, यस बहुत सर। शी इज वेरी स्मार्ट लेडी है, गुड कम्युनिकेशन है इसका। भाग्यांक स्मार्ट मतलब ये नहीं है कि लोगों को दगा देना है, ये दिमाग से निकाल दी, स्मार्ट मतलब अपना काम करवाना है तो ये अपने काम को अच्छी तरह से करा सकती है, लोगों का हेल्प लेके, वो मतलब है। भाग्यांक कितना है? 1 + 4 = 5 = 16 33 आया सर, 33 ट्वेंटी आया, फाइव 33 आ रहा है मतलब 6 आ गया ना। यस सर। ये अभी कंफर्म करना पड़ेगा अपने को कि ये है या नहीं है, यस सर ये कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? भाग्यांक में ही करना पड़ता है, हमें मूलांक में करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू ही नहीं है। इसमें डीडी वाई वाई नहीं नहीं सर, वाई वाई एमएम लिखना है।
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग कर लो, 0014, जीरो जीरो वन जीरो 0010, 1989 रुकिए बस, नहीं आएगा सर। अरे रुकिए, अब जो आता है प्लीज वो लोग खामोश बैठिए, लेट देम अदर आल्सो लर्न, मुझे भी आता है तो मैं भी तो खामोश बैठा हूँ ना, सिखाने के लिए बैठा हूँ, उनको भी सीखने दीजिए, जिसको मालूम है थोड़ा सा साइलेंस रहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला, पहले कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, लेट अदर आल्सो लर्न, अब ऐसे करना है पहले, ओके ऐसे करके नॉर्मल एडिशन करना है, नॉर्मल एडिशन मतलब जैसे हम नॉर्मल करते हैं, कितना होगा चार, कितना होगा ये चार प्लस, कितना होगा चार प्लस जीरो प्लस नाइन कितना हो जाएगा, तेरह, 13, 13, 13, थर्टीन, ये वन कैरी कैरी फॉरवर्ड, देगा, अब ये कितना हो गया 10, 11, इलेवन, ये कैरी फॉरवर्ड, जीरो, एट, ये जीरो दो, फिर वन, दो, जीरो ये जीरो तेरह, करेक्ट है 2013 नो, करेक्ट आया क्या ये, हाँ टोटल सही है। हाँ टोटल सही है, अब 2013 को वापस सिंगल डिजिट में लेके आए, 66 सिक्स आ गया, ग्यारह छह सिक्स आ रहा, आएगा सर, 13 है छह सॉरी सिक्स सिक्स आ रहा, बढ़िया तीन छह ना, ये मास्टर नंबर नहीं, नहीं ये मास्टर नंबर नहीं, है क्यों नहीं है सर? 33 हाँ जी बोलता हूँ, मास्टर नंबर का होना ना होना सबसे पहले पट मूलांक में कुछ भी नहीं है कैलकुलेट करने, है क्या कुछ नहीं डायरेक्ट नंबर बोल सकते, बट भाग्यांक में आने के बाद इसे कहते हैं हॉरिजेंटल एडिशन, जो मूलांक में हमने किया वो हॉरिजेंटल एडिशन है, ये वर्टिकल एडिशन है, डी डी एम एम सॉरी डी 00 डी डी 00 एम एम वाई वाई वाई, जो सिंगल डिजिट में कर रहे हैं, 6 आया वहां, 6 किससे आया, 3+3 करके आया नहीं 33 से 6 हॉरिजॉन्टल, आया, 33 से 6 आया था वो वहां पर, यहाँ 33 से 6 आया तभी वो मास्टर नंबर होगा, अदरवाइज नहीं, वो जो है मास्टर नंबर 33 से आया तभी होगा, अदरवाइज नहीं, यानी सर दोनों टाइम पे 33 आना जरूरी है। यस दोनों साइड से, सर मेरे दोनों साइड से 2-2 आया है। एक एक मिनट, यानी वो सिंगल डिजिट करने से पहले 33 था ना वहां पर, 33 से 6 आया, ये भी 33 से 6 आना, सिंगल डिजिट ये भी 33 से 6 आना चाहिए, सिंगल डिजिट मतलब 129, हम जो क्या कर रहे हैं हम लोग सिंगल डिजिट में तो कर रहे हैं ना, वो 33 से 6 आया तो ये भी 33 से 6 आना चाहिए, तो ही मास्टर नंबर कहलाएगा, अदरवाइज मास्टर नंबर नहीं कहेगा, तो इसका भाग्यांक जो है किसका था, निरुपमा गोयल का था ना, तो ये जी, किसका था, गोयल का था, तो ये मास्टर नंबर नहीं है, किसी का आ रहा क्या 33 से भी 6 से, 22 से 4, दोनों साइड से करके देखिए, जिसका फोर आ रहा क्या 22 आ रहा, देखो आ रहा है नहीं आ रहा, चेक सर कीजिए, मेरे 2 भाग्यांक था, 29 आया था उसका, और अभी मैंने आपकी तरह निकाला तो वो भी 11 आया, टोटल 2+9 ही निकला एंड में, वो भी 11 है और दूसरा भी 11 आया ऐसे। चल एक मिनट वो भी देख लेते हैं, हाँ जी आपकी डेटा पर बोलिए सर, हेलो, सर 17 दिसंबर 1980, 17, हाँ जी 17 एक थोड़ा इंग्लिश में बोला मुझे, 17 17 दिसंबर 1980 दिसंबर 12 जी, 1980 19 80 ये कौन लिखता है, हाँ जी तो कितना हो जाएगा भाग्यांक, कितना मूलांक तो 8 हो जाएगा इसका, जी सर 80 है ना ये, तो जी, 80 है तो कितना हुआ 7 8, ये 10 8 हो गए, 20 और कितना 28 हो रहा है, 29 हो रहा है।
29 और 29 11 12 13 14 धीरे 15 16 धीरे 17 धीरे, 18 अरे 19 म्यूट कर 20 लीजिए 21 प्लीज। अरे हमें कोई 22 नहीं है पूजा जी, सुनने रड़ी ही नहीं, डिस्टर्ब हो रहा है। आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम पब्लिक डोमेन में है, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए पूजा जी। आज सबके लिए बोल रहा हूँ, म्यूट करके बैठिए, जब बात करना है जब ओपन कर लीजिए। जैसे इनसे बात है तो क्या हो रहा है, आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे ना इरिटेशन होगा आपका। हाँ जी, बच्चे तो नहीं है कि मैं आपको डांटू मैं। चलो अब बोलो, इनकी डेट ऑफ बर्थ में क्या आएगा? 00 17 00 12 करेक्ट है, 0 सॉरी 1980 है सर? जी जी सर जी, हाँ जी, ये कितना हुआ? 9। ये 9, ये 10, ये 10, ये तो ये 11 आया क्या? 29, इससे पहले 29 आया क्या? 29 आया क्या? 29 जी सर, भाग्यांक 29 था। भाग्यांक 20, यहाँ भी 29 से 9 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, आया क्या? नहीं आया, तो ओके जी, ये मास्टर नंबर नहीं है, समझ ना। हेलो सर, तो ये मास्टर नंबर नहीं, मास्टर नंबर आने के लिए रूल क्या है? वहां 33 आया तो यहाँ भी 33 से 6 आना चाहिए, 60 से 6 नहीं, 24 से 6 नहीं, 15 से 6 नहीं काउंट हो, या 6 से भी काउंट नहीं होगा, 33 से आए तभी वो मास्टर नंबर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? चल अब ये मास्टर, रुकी मैं क्वेश्चन आंसर जो भी है मैं लास्ट में, प्लीज कल ही बोल चुका हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा रेस्पेक्ट किए, ताकि 5 दिन में बहुत कुछ दे सके। ऐसे डिस्टर्ब करोगे गाड़ी कहाँ से चलेगी? हर टाइम चेन किसते रहोगे तो गाड़ी वहीं रहेगी, 1 किलोमीटर भी नहीं जाएगी। हाँ जी, अब ना जब मैं गाड़ी पूरी वहां पर नाश्ता विस्तार सब करके वापस बैठ जाए, मतलब क्वेश्चन आंसर पूछ कर बैठ जाए, ठीक है? आज अब सपोज ये 13 सॉरी 11 22 33 ये मास्टर नंबर क्यों कहे? इनके पास एडिशनल एडिशनल पावर होता है, इनके पास एडिशनल पावर होता है, क्या पावर होता है? देख लिख लीजिए, लिखा है से याद है मेरे मास्टर नंबर है। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरी तरफ से। 29 हाँ जी, मास्टर नंबर 11 का मतलब क्या है? 11 का मतलब ये बड़े बड़े सपने देख, क्या करते हैं? बड़े बड़े सपने देखते हैं 11 नंबर, और ज्यादा लिख लीजिए, ज्यादा प्रभाव होता है मूलांक, मूलांक में ज्यादा वेटेज नंबर। ओके, 11 जो होते हैं वो क्या होते हैं? ड्रीमर्स होते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, विजनरी होते हैं। ओके, बहुत इंट्यूटिव होते हैं ऐसे लोग, कोई भी काम को कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझो, वो 5 ईयर्स प्लानिंग होती ना, प्लानिंग कमीशन है, वो लोग क्या करते हैं? 10 10 15 15 साल का पहले प्लानिंग करते हैं, देश कहाँ जाना है, कहाँ ले जाना है, करते हैं ना, तभी तो हमारे पास आज सुरक्षा है। तो 5 साल की सुरक्षा के पूरा कुछ ना कुछ तो किए ना लोग, बैठे आईएएस ऑफिसर बैठ के कुछ खाली नहीं बैठने देगा, वो कोई कोई भी गवर्नमेंट नहीं बैठने देगा। खड़गरी जी बड़े बड़े रोड डाल रहे हैं, लंबे लंबे डाल रहे हैं, पीछे प्लानिंग करें, खड़गरी का कुछ नहीं है, पीछे जो टीम है उनका भी तो योगदान है, वो जो प्लानिंग करते हैं। आप निरुपमा की, गोयल की लड़की की शादी कर रही थी, बचपन से प्लानिंग नहीं कर रही थी? नहीं करी थी? कोई भी बाबा करेगा नहीं करेगा बचपन से प्लानिंग? थोड़ा 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 सा बचाएगा नहीं बचाएगा? अमित जी
हर माँ बाप करता है, मैं भी यही करूंगा, आप भी यही कर रहे, सभी लोग कर रहे हैं। ये क्या है? लंबी प्लानिंग है, शॉर्ट प्लानिंग नहीं है, लंबी है। तो ये 11 नंबर वाले होते तो बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते, अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसे लोग अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हैं। कब? क्योंकि जो सपने देखता है उसको टीम भी तो चाहिए, इनकी सपोर्ट टीम अच्छी हो, नीचे काम करने वाले अच्छे हो, तो ये बहुत सक्सेसफुल हो सकते। एग्जाम्पल के लिए रतन टाटा ले लेते हैं। रतन टाटा ने बोल दिया समझ एग्जाम्पल कि मुझे राजस्थान या बिहार में एक स्टील प्लांट लगाना है। किसमें? झारखंड, झारखंड में मुझे स्टील प्लांट लगाना है। टाटा का स्टेटमेंट क्या था मीटिंग के अंदर? मुझे स्टील प्लांट लगाना है, इतना स्टेटमेंट था। प्लानिंग करो, कॉस्ट कितना होगा, जमीन क्या लेगा, रूल्स रेगुलेशन क्या होगा। अच्छा ओके, रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, कहाँ पर जमीन लोगे, कौन कौन काम करेगा, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रतन टाटा की है। टीम्स की सर, टीम्स का टीम कंसर्न की। टीम क्या टीम की वो अब रतन टाटा ने सोचा कि मुझे स्टील प्लांट लगाना है झारखंड के। सब एग्जाम्पल, मुझे नहीं मालूम इसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब टीम अच्छी नहीं है, नहीं सुनती है, समझती नहीं उनके बात को, तो रतन टाटा सक्सेस होंगे क्या? नहीं होंगे। तो टीम बहुत स्ट्रांग होनी पड़ती है इनके लिए। ये कभी तभी स्ट्रांग हो, सक्सेस हो सकते हैं, तब इनको टीम अच्छी मिलती है। ये शिखर पर पहुंच सकते हैं पर टीम अच्छी मिलती है। ये बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं, कब कर पाएंगे? जब इनको टीम मिलेगी। ओके, अब अलका, अलका के घर में पार्टी थी। अलका ने क्या किया? पार्टी सब डिजाइन कर लिया, पैसा सब कुछ बना लिया, और कुक अच्छा नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? क्या क्या हो जाएगा खाना? क्या हो जाएगा? बना पाओगे? अच्छा कर, अच्छा बनेगा खाना? नहीं बनेगा ना। तो आपके नीचे काम करने वाले भी अच्छे होने चाहिए। तो 11 नंबर के नीचे जो काम करने वाले हैं, नीचे काम करने वाले, वो अच्छे होंगे। 22 नंबर वाले, कोई भी काम को, 22 नंबर जिसका भी है, 22 नंबर वाले जो वैसे लोग कोई भी काम को अच्छी तरह से डिटेलिंग कर सकते हैं, डिटेलिंग कर सकते। ये भी बहुत बड़े बड़े सपने देखने वाले होते हैं, बहुत विजनरी होते हैं, ये बहुत विजनरी होते हैं। चलिए कोई भी काम को करने में बहुत स्किल्स होती हैं इनके पास, बहुत स्किल्स होती हैं। पर काम करवाने की स्किल्स होती, करने की नहीं होती। लीड नहीं कर सकते, बड़े बड़े सपने देख सकते हैं मगर स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं, मिडिल पे ले सकते। मतलब रतन टाटा के काम दे दिया, नीचे वाले भी उतने सक्षम होने पड़ेंगे रतन टाटा की तरह एक एक काम करने के लिए। तो ये लोग जो जो 22 वाले हैं, ये भी अच्छे सपने देखने वाले हो सकते हैं, ड्री ड्रीमर्स हो सकते हैं, बहुत ड्रीम करने वाले हो सकते हैं, अच्छे एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं। बट इन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ती, गाइड गाइड की जरूरत पड़ती, इनको गाइड जरूरत पड़ी। सपोज रतन टाटा ने स्टील प्लांट का बोल दिया, कुछ प्रॉब्लम आए तो क्या करना पड़ेगा? रतन टाटा को पता होना चाहिए प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है, तो इनको सपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट, 33। 33 वाले अच्छे मैनेजर्स होते, कोई भी चीज को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते। ये बड़े बड़े सपने नहीं देख सकते हैं, बड़े बड़े सपने वो करवा सकते हैं, बड़े बड़े सपनों पे काम कर सकते हैं। अच्छे एग्जीक्यूटर होते हैं, एग्जीक्यूटर मतलब काम ले लिया और करवा दिया। ये अच्छे कोऑर्डिनेटर होते हैं, अच्छे टीम बिल्डर होते हैं। ये सबको साथ, सबको सबका विकास वाला फार्मूला पे काम करते हैं।
नेक्स्ट अब इसके बाद में लिख लो मतलब प्रिंसिपल, 11 मतलब प्रिंसिपल, 22 मतलब वाइस प्रिंसिपल, 33 मतलब टीचर। स्कूल को चलाने वाला कौन है, टीचर है या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल स्कूल चलाने वाली। रेस्पॉन्सिबल किसकी है पूरी स्कूल में कुछ भी हुआ तो? प्रिंसिपल की है। क्या वाइस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के बिना काम कर पाएगी, सक्सेस हो पाएगी? छोटा स्कूल ठीक है, मान लो सब 10,000 2,000 स्टूडेंट है सब, तो वाइस प्रिंसिपल चाहिए नहीं चाहिए, पूरा मैनेज कर पाएगी काम तो? बड़े बड़े सपने देख सकती है प्रिंसिपल, बड़े बड़े कार्य कर सकती है, मगर छोटी छोटी चीजों को ट्रैक नहीं कर सकती। वो छोटी छोटी चीजों को ट्रैक करना है तो उसको वाइस प्रिंसिपल चाहिए। अब वाइस प्रिंसिपल क्या क्लास में जाकर पढ़ाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीट करेगा, एग्जाम लेगा, क्वेश्चन पेपर बना पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। तो वैसे टाइम पे टीचर काम आता है उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए टीचर काम आता है। तो इस तरह से 11, 22 और 33 तीन नंबर। अच्छा, और नेक्स्ट नंबर आता है कार्मिक। नेक्स्ट नंबर आते हैं कार्मिक। आज पूरे हो जाएंगे नंबर, तो कल हम डिटेलिंग करें। ओके कार्मिक। कार्मिक नंबर का मतलब होता है कोई ना कोई पास लाइफ में ऐसे कुछ काम किए होंगे उसका क्या होगा, कार्मिक नंबर, उसकी सजा मिल रही होगी इस जन्म, उसकी सजा मिल रही होगी इस जन्म। ओके, कौन से कार्मिक नंबर होते हैं, 13, 14, 16 और 19? ये भी मूलांक में आते हैं तो ज्यादा पावरफुल, भाग्यांक में इतना कोई ज्यादा इसका वो नहीं। सर एक बार नंबर्स रिपीट करेंगे प्लीज। मूला 13, 14, 16, 19, 13, 14, 16 और 19। सर और वन 13, 13, 14, 16 और 19, ये चार कार्मिक नंबर क्या होते हैं? ये चार कार्मिक नंबर होते हैं। ये जो कार्मिक नंबर है वो मूलांक में आते हैं तो ज्यादा पावरफुल है, ये पास्ट लाइफ से जो पूरे कर्म करते हो उसका आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, उसका नुकसान पे करना पड़ेगा, या यू हैव टू पे द योर कर्मा बैलेंस, बैलेंस लास्ट जन्म। कौन से है, 13, 14, 16 वर्ष, ये कहां पर आएंगे? ये आएंगे मूलांक। ठीक है, अब 13, 14, 16 किसी के जन्म तारीख में आ रहे हैं क्या, या मूल भाग्यांक में भी आ रहे हैं तो बता दो किसी के आ रहे हैं, किसी का है? हाँ जी बताइए, राम रमन परमा। सर प्रणव, ये आपने सर हाँ, मूलांक चार बताया, इसमें लास्ट नंबर कौन सा बोला वो सुनाई नहीं दिया सर जरा। 13, 14, 16, 19, 14, 14, 13, 14, 16, 19, किसका आ रहा, किसी का आ रहा क्या? 13, 14, 16, 19,
किसी का भी नहीं है। आज क्या आ रहा है आपका दीप्ति? हाँ जी सर मेरा डेट ऑफ बर्थ ही 16 है जी। 16 है, तो आपका क्या हुआ वो 16 मूलांक में डेट में ही आएगा, तो क्या हुआ 6 16 क्या हुआ? 7 नहीं, मूलांक 7 होगा बट 16 भी तो आ रहा है ना, तो दोनों हाँ प्रभाव देखिए, 7 मूलांक 7 भी देखा जाएगा और 16 भी देखा जाएगा। जैसे 11 देख रहे थे ना, 11 भी देख रहे, दो भी देख राइट रहे, तो दोनों दोनों देखिए। जब मूलांक में आएगा तो 2 7 देखेंगे और कार्मिक में 6 16। ओके हाँ जी शिवानी। थैंक यू सर। सर मेरा भी 14 है, 14 मई 1995 सर। और मुझे फील भी होता है कि कुछ ज्यादा रुकिए रुकिए रुकिए, अभी इसलिए मूवमेंट किया। और किसका है? कमला का है क्या? जिसका है वही हैंड रेज कीजिए, बाकी डाउन कर लीजिए। सर मेरा नहीं है बट एक क्वेश्चन है जैसे ओके 13 14 16 और 12 क्या हो? मैंने पहले से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर बाद में पूछिए, टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं। 8 बार कम से 50 बार बोल चुके। हाँ जी क्वेश्चन आंसर एंड में रखती है ना। हाँ जी किसका आ रहा आपका, आ रहा है क्या आ रहा है आपका? 19 मेरे बेटे का है 19 19। अच्छा अब क्या है उसको देखते हैं, क्या लिख लीजिए क्या होता है कार्मिक नंबर आते हैं। मैं स्लाइड लगा देता हूँ समझाने में। अच्छा और एक होता है, इसको रखिए थोड़ा बाजू रखना, और एक होते हैं चैलेंज नंबर। चैलेंज नंबर भी लिखा ले जाता, 4 तरह के चैलेंज नंबर होते, 4 तरह के चैलेंज नंबर। चैलेंज नंबर का मतलब है चैलेंज, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, चैलेंज का मतलब चैलेंज। ओके क्या घर चलाना चैलेंज नहीं है, बच्चों को संभालना चैलेंज नहीं है, उस चैलेंज की बात कर रहे हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मुझे याद नहीं, कोई इसका मीनिंग बता पाएगा चैलेंज मतलब? हाँ जी बताइए। हाँ जी दीप्ति जी बताइए चैलेंज मतलब? सर चैलेंज मतलब चुनौती। हाँ चुनौतियां नहीं है क्या घर चलाने के लिए? सबसे पहले उठना सवेरे, अपने आप मूड हो ना हो खाना बनाए, टिफिन बनाए, चाय बनाए, ब्रेकफास्ट बनाए, मन नहीं है फिर भी काम करना चैलेंज नहीं है, वो तो ठीक है फिजिकल, मन नहीं है फिर भी अच्छा काम करके डांट भी खाना पड़ता है, सबका मन मुटाव भी लेना पड़ता है, चैलेंज नहीं है। राइट टाइम पे उठ के राइट बराबर आर भी उनकी तो गाड़ी स्कूल स्कूल हो बच्चों की या हस्बैंड की जॉब हो या बिजनेस हो, तो राइट टाइम पे जाएगा, हो ना हो तबीयत ठीक हो ना हो फिर भी खाना बनाना पड़ता है, हर समय चुनौती नहीं है घर जिंदगी, ये क्या है गाना है ना, संघर्ष है क्या ऐसे कुछ गाना है ना, तो चैलेंज मतलब संघर्ष। संघर्ष को जीरो कर सकते हो क्या? चैलेंजेस को चुनौतियों को जीरो कर सकते हो क्या? नहीं, चुनौती चुनौतियों को आप स्मार्ट से हैंडल कर सकते। क्या अमित जी कार चलाते हैं तो क्या 2 व्हीलर चलाते होंगे, तो क्या रोड पे जाना चैलेंज नहीं है? कितना अलर्ट रहना पड़ता है, नहीं रहना पड़ता है अलर्ट, 1 सेकंड की सावधानी चूक चुकी दुर्घटना घटी। ओके तो ओके उतना वो भी तो चैलेंज है ना। अब और एक चैलेंज, एक बिजनेस मैंने तो पैसा कैसे भी एडजस्ट कर ले, यहाँ से वहां से कम ज्यादा चलते रहते, पर जॉब वाले के लिए उसी अमाउंट में घर चलाना क्या चैलेंज नहीं है, चुनौती नहीं है महंगाई के जमाने में? हाँ
जहां पर शक्कर 50 रुपए है, गैस है, तेल है, जहां पर कितने महंगाई है 10 साल 15 साल के पहले देखा। चैलेंज नहीं है, सैलरी तो उतनी है, खर्चे तो उतने ही है, सेविंग नहीं है, सेविंग से जुड़ा सेविंग भी देनी है, ईएमआई भी देना है, और दीप्ति अपने साड़ी का भी पैसा निकालना है, ड्रेस का भी पैसा निकालना है, तो चैलेंज नहीं है। फिर अपना जीएसटी, घर से जीएसटी भी निकालना है अपना, कौन सा जीएसटी समझ गए ना, अपना दीप्ति अपना पॉकेट मनी निकालती है बचा बचा के, नहीं निकालते हैं अलका जी निकालती है ना, नहीं निकालते हैं, तो वो भी तो निकालना है, वो भी तो चैलेंज है, वो भी तो कम नहीं होना चाहिए ना, वो भी मतलब बहुत सेविंग है, मैं तो बोले वो भी तो सेविंग है, वो भी तो घर में काम आएगी, जब फेस्टिवल होगा कोई आएगा जाएगा दीपावली पे कहीं जाना है ना तो पैसे काम आते हैं। तो मतलब हमारे पास चैलेंज कितने हैं, तो चैलेंज चार तरह के हमारे जीवन में चैलेंज संघर्ष हो, पहला चैलेंज, सेकंड चैलेंज, थर्ड चैलेंज, फोर्थ चैलेंज। ओके, आपके डीडी एमएम वाईवाई को अलग अलग करके सिंगल डिजिट में रखिए, डीडी को सिंगल डिजिट में, एमएम को सिंगल डिजिट में, वाईवाई को सिंगल डिजिट में बना के रखिए। आप फार्मूला लिख लीजिए, फर्स्ट चैलेंज फार्मूला लिख लीजिए, अमित जी एक काम कर सकते हो कि आपके जो स्क्रीन पे आ रहा है ना उसकी फोटो मुझे भेज सकते हो, 81257 बन रहा तो उसे सेटिंग करवानी पड़ेगी, 81257 बन रहा तो उसकी स्क्रीनशॉट जो आपको सबको दिख रहा है ना मुझे बताने के लिए काम आएगा। हाँ जी, उसको मैसेज दिया तो उसने बोला कि स्क्रीनशॉट भेजो सर, मैंने सेटिंग तो करी है। हाँ जी, चलिए अब फर्स्ट चैलेंज कैसे लिखा, जो एडमिन में मैंने मेरा नंबर ही है, फर्स्ट चैलेंज कैसा लिखा। हाँ, फर्स्ट चैलेंज है एमएम माइनस डीडी, एमएम माइनस डीडी लिख लीजिए, एमएम डाल दीजिए और डीडी डाल दीजिए। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया शिवानी को, जी फर्स्ट चैलेंज, फर्स्ट चैलेंज कैसा निकालेंगे, एमएम माइनस डीडी, मंथ ऑफ द बर्थ माइनस डे ऑफ द बर्थ, मतलब डीडी, एमएम माइनस डीडी, डे ऑफ द बर्थ मतलब डीडी, माइनस ईयर ऑफ द बर्थ मतलब वाई वाई वाई, फर्स्ट चैलेंज माइनस सेकंड चैलेंज, और मंथ ऑफ द बर्थ माइनस ईयर ऑफ द बर्थ, मंथ ऑफ द बर्थ माइनस सब ईयर। ब्लर हो रहा है स्क्रीन। हाँ वो ब्लर हो रहा है। हाँ जी, ओके, इसलिए मैं लिखा रहा था कि पहले लिख लीजिए फर्स्ट चैलेंज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट चैलेंज कैसे निकालेंगे लिख लीजिए, फर्स्ट चैलेंज जो निकालेंगे फर्स्ट चैलेंज जो निकालेंगे एमएम माइनस जीडी, एमएम मतलब मंथ, डीडी एमएम वाई की बात कर रहा हूं मैं, एमएम माइनस जीडी, सेकंड चैलेंज है डीडी माइनस ईयर, यानी डीडी माइनस वाई वाई वाई, थर्ड चैलेंज क्या है, फर्स्ट चैलेंज माइनस सेकंड चैलेंज, सी वन माइनस सी, फर्स्ट चैलेंज माइनस फर्स्ट चैलेंज को सी वन सी टू ऐसा, सेकंड फर्स्ट चैलेंज माइनस सेकंड चैलेंज, सी वन माइनस सी, फोर्थ चैलेंज होता है एमएम माइनस
वाई वाई वाई, फिर से रिपीट करता हूँ फार्मूला। चार चैलेंज होते हैं, उसको फर्स्ट चैलेंज बोलते हैं, C1, C2, C3, C4। C1 कैसे निकालते हैं? MM माइनस TD, MM माइनस TD। C2 इक्वल टू DD माइनस वाई वाई वाई। थर्ड चैलेंज जो है C1 माइनस C2, फर्स्ट चैलेंज माइनस सेकंड चैलेंज। फोर्थ चैलेंज होता है MM माइनस वाई वाई वाई। हाँ जी, देख लीजिए, C1 मतलब फर्स्ट चैलेंज, सेकंड चैलेंज, थर्ड चैलेंज, फोर्थ चैलेंज। C1 इक्वल टू MM माइनस DD, C2 इक्वल टू DD माइनस YY, C1 माइनस C2, MM माइनस YY। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 2002, तो DD कितना हो गया? 22। 22 का क्या आया? 4 8। मंथ क्या है? 11, 11 यानी 2। ईयर 2002 का मतलब 4। डीडी कितना हो गया? 4। एमएम कितना हो गया? 11। और वाई 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 कितना हो गया? 4। मैंने क्या कहा? फर्स्ट चैलेंज माइनस मतलब एमएम माइनस डीडी, 11 माइनस सॉरी 2 माइनस 4, डीडी कितना है? 4। 2 माइनस 4 इक्वल टू 2। डीडी इक्वल सेकंड चैलेंज कितना? डीडी माइनस वाई वाई, डीडी कितना है? 4। 4 और ईयर कितना है? 4 आया। 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। C1 माइनस C2, 2 माइनस 0, 2। MM माइनस YY, मंथ, MM मतलब मंथ, YY मतलब 4, 2 माइनस 4 और 4 ही हो। इसका फर्स्ट चैलेंज कितना आया? 2। सेकंड चैलेंज 0, थर्ड चैलेंज 2, फोर्थ चैलेंज 2 आया। ओके, अच्छा यहाँ पर माइनस नहीं कंसीडर करें, यहाँ पर माइनस नहीं कंसीडर करें, जहां भी जीरो आता है वहां नौ कंसीडर करें। जहां माइनस प्लस कोई मतलब नहीं है इसका। सपोज C1 C2 कर रहे हैं, 4 माइनस 9 आया सिस्टम, तो -5 आएगा ना, तो हम सिर्फ 5 ही कंसीडर। जहां भी जीरो आ रहा है वी कंसीडर एज ए 9। Is it clear for you? चलो, तो चैलेंज नंबर क्यों? अब कभी भी चैलेंज नंबर निकालने से पहले पहले सिंगल डिजिट पे कर लोगे तब जाकर चैलेंज निकालना। चलो अपना अपना निकालो अभी चैलेंज नंबर। हाँ जी, निकाल पाओगे? हाँ जी, अपना अपना चैलेंज नंबर निकालिए। फार्मूला लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, पहले फार्मूला लिख लिया ना? निकालो, पहले प्रैक्टिस करो। हाँ जी आदित्य, क्या डाउट है? 2 3 1 1 आया। अच्छा, नहीं डाउट है समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने हैंड रेस। डाउट है क्या आपको? डाउट डाउट है तो हैंड रेस रखिए। हाँ, फिर डाउन कर लीजिए। हाँ जी, रन जिसका भी आया चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ जी, टू थ्री वन वन, अमित जी का कितना है? 3 2 2। ओ, किसका ये? भावेश, 5 0 0। 5 0 0 मतलब 5 0 5 5 का मतलब 5 9 5 5,
जहां भी जीरो आ रहा है वहां पर आप नाइन के रूप में देखो। हाँ जी, ये किसने लिखा? रेशम ने। रेशम ने गलत किया, सिंगल डिजिट में निकालना है, आपने डेटा पर डाल दी C1 C2 C3 C4। चलिए गुड। चलिए ये क्या डाउट है मिजी? सर मेरा एक जगह पर क्या हुआ है कि जो C2 था दैट बिकम जीरो, तो जीरो आने दो ना। उसको जीरो आने देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब उसको कोई फिर हम फायदा अगर नेक्स्ट स्टेप पे जब C3 में लेके जाएंगे तो दैट विल ऑटोमेटिकली 0-2 हो जाएगा, यस। सो इट विल नॉट बी 9-2, हाँ इट विल नॉट बी 9-2। नहीं 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 वहां पर नहीं, एंड में हम 9 कंसीडर करें, वहां 0-2 मतलब क्या, 2 ही आए, वो 7 नहीं आए। माइनस आ रहे प्लस ले लो मनीषा जी, जो माइनस आ रहा है वो प्लस ले लीजिए। चल आई होप क्लियर हो गया अभी। चलिए अब लिख लीजिए चैलेंज नंबर, मैं उसको समझाता हूँ। चार तरह के चैलेंज नंबर, 13, 14, 16, 18 से मीनिंग लिखना है। 13 का मतलब है ऑल वर्क एंड प्ले, ऑल वर्क एंड प्ले। वापस आऊंगा उसके पहले लिख लीजिए ऑल वर्क प्ले। 14 का मतलब एब्यूज ऑफ फ्रीडम, आजादी का दुरुपयोग करना। 13 का मतलब है अत्याचार करना, 13 का मतलब अत्याचार। सोलह का मतलब है अब्यूज ऑफ लव, प्यार का इंसल्ट करना, अपमान करना, प्यार में धोखाधड़ी करना। नाइनटीन मतलब अधिका अब्यूज ऑफ पावर, 19 का मतलब होता है अब्यूज ऑफ पावर, यानी अधिकार का दुरुपयोग करना, अधिकार का दुरुपयोग करना। 13, 14, 16, 19, 13 का मतलब ऑल वर्क मतलब गिमिक्स खेलना, अत्याचार करना, लोगों को मिसलीड करना, गुंडागर्दी करना, रेप करना, गैर सामाजिक कार्य करना। 14 का मतलब है अब्यूज ऑफ फ्रीडम, आजादी का दुरुपयोग करना। कैसे? आप पूजा यहाँ बैठी है, आप हस्बैंड को बोली है मैं पढ़ रही हूँ, ओके, अब हस्बैंड ने देखा नहीं और ये दरवाजा पढ़ी नहीं, क्लास अटेंड नहीं करी, ये क्या हुआ? क्या हुआ है? फ्रीडम दिया था 2 घंटे पढ़ने का, नहीं पढ़ा, और अब जाके टीवी देखते रही, मैं गेम खेल रही हूँ। अब तो सडनली इसके हस्बैंड आ गए बराबर,
5 बजे, तो बोले कि तेरे क्लास तो अटेंड करने के लिए, पर मैं बाहर बैठा हूँ, डिस्टर्ब नहीं हो रहा, क्या क्या गेम खेल रही है? तो आजादी का क्या हुआ? दुरुपयोग। नेक्स्ट, एब्यूज ऑफ लव का मतलब है प्यार में किसी को फंसाना, किसी को भी हो सकता है, बाप हो सकता है, लड़का लड़की हो सकता है, कोई भी, प्यार के प्यार कर कर उसका गलत इस्तेमाल कर, प्यार में चीटिंग करना, प्यार का गलत इस्तेमाल कर, प्यार का मतलब लड़का लड़की वाला प्यार नहीं, किसी का भी प्यार हो सकता है। नाइनटीन का मतलब होता है अब्यूज ऑफ पावर, मतलब अधिकार का दुरुपयोग करना। एग्जाम्पल के लिए, गवर्नमेंट इम्प्लॉय है और आप गए काम करना चाहिए, एनी बॉम, यस, कोई किसी भी तरह का प्यार। अब पावर क्या है? अधिकार गलत इस्तेमाल करना। ओके जैसे अभी वो हो रहा है ना प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में, कई लोगों पे क्या है, जिसके पास दो दो एग्जाम्पल लेना, एग्जाम्पल लेते हैं वो आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर ने क्या किया, पूना में पोस्टिंग क्या करी, सबको पता नहीं किस, अपना अधिक पिताजी का रुबाब डालकर वो आईएएस ऑफिसर, फर्स्ट आईएएस ऑफिसर, कहीं भी कौन टाउन में रूल है, पॉलिसी है, पोस्टिंग नहीं दे सकते, असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में जाते हो तो रेड लाइट नहीं लगा सकते, मतलब पत्ती वो कार में, उसने जबर सी रगवाई, अपना अलग से कैबिन बनवाया, वो क्या किया, अधिकार का गलत इस्तेमाल किया, धमकाया, नौकरी से निकाल दिया, कुछ से धमकाया, वो अधिकार का गलत इस्तेमाल है। असिस्टेंट कलेक्टर को गाड़ी मिलती ही नहीं है रेड पर, तो वो गलत इस्तेमाल किया, किसका इस्तेमाल किया, अपने पिताजी का, पॉलिटिकल लेकर किया, यस, अब्यूज किया, यस, तो क्या है वो, अब्यूज, वो अब्यूज ऑफ पावर। ओके, अब क्या होता था कांग्रेस से गवर्नमेंट, सब सब क्या हुआ, कॉमन मेंस देख लो, बफर सा मामला देख लो, सब कुछ क्या है, टेंडर पास करते हैं, अभी होते क्या टेंडर, गडकरी में, गडकरी के देखिए, एक भी टेंडर पास नहीं होते हैं, जो ओपन है वही होगा, वो कहते हैं कि अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं कर, कांग्रेस में क्या था, अधिकार का गलत इस्तेमाल, जिसको जिसको टेंडर पास नहीं करना उसको टेंडर पास कर दी, जिसको नहीं करना उसको नहीं करे, जिसको पैसे दिया वो किया, तो मतलब कहने का मतलब अधिकार कोई भी गवर्नमेंट में होता है, जो अधिकार का गलत लिख लीजिए, इसकी कोई रेमेडी नहीं होती, कार्मिक नंबर की कोई रेमेडी नहीं होती, इसका मतलब आपने ये सब पिछले जन्म में किया होगा, तो उसका क्या होता है, इस जन्म में प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, दिन में तारे दिखाई देंगे, दिन में तारे दिखाई देंगे, हेल्थ इश्यूज होगा, सब कुछ अच्छे चलता चलता गाड़ी क्यों टर्न कर सकती है, सब कुछ होते हुए इंजॉय नहीं कर पाओगे, सब कुछ होते हुए इंजॉय नहीं कर पाओगे, ओके। या आपके बेटे बेटा बेटी कैरेक्टरलेस हो, या उनका एजुकेशन में प्रॉब्लम हो, उनकी शादी ना हो, ये सब चीजें हो, उन्हें देखना होगा, या अनसक्सेसफुल होगा, सब कुछ होते हुए ये भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अच्छा एजुकेशन तो है पर पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, या कोई लिटिगेशन में फंस गए हैं, गैर कानूनी काम में फंस गए हैं, या जीवन के ऐसे चक्र में फंसे निकल नहीं पाते, ये सब जो है वो कारण। ओके।
अब कार्मिक नंबर की कोई रेमेडी नहीं, भुगतना होगा, भुगतना होगा। किया क्या होगा पूनम जी? किया तो भुगतना ही हो ना, जैसी करनी वैसी भर। बाजू वाले का घर जलाकर अब हम लोग सुख से नहीं बैठ सकते। अब इसकी एक ही रेमेडी, इसकी एक ही रेमेडी है, खाटू श्याम की बाबा की पूजा, उनके चरणों में जाकर ही आपको मिल सकता है। खाटू श्याम कैसे करते हैं पूजा वगैरह देख लेना है। तो कार्मिक नंबर की कोई रेमेडी नहीं, चैलेंज नंबर की कोई रेमेडी नहीं होती है, सिर्फ आपको हैंडल करना आना पड़ेगा चैलेंज नंबर। अब गुस्सा आ रहा है इसको अलका, ओके सबक बच्चे बड़े हो गए, जब छोटे बच्चे तेरे नहीं पढ़ते तो कैसे गुस्सा आता था, नहीं सुनते तो क्या करते, तब मार देते थे, क्या मारते थे, रोज नहीं मारते, कभी एक आध रोज मार दिया हो, बट रोज तो नहीं मार सकते, हमें कंट्रोल रखना पड़ता अपनी सहनशीलता को कंट्रोल। तो चैलेंज है ना, चैलेंज नंबर की रेमेडी, यू हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल दे, ओके। और कार्मिक नंबर की रेमेडी है खाटू श्याम के चरण में जाना, और कुछ नहीं। हो गया, क्लियर हो गया? चल किसका आ रहा है कार्मिक नंबर, आ रहे हैं किसी के, किसके हैं कार्मिक नंबर, किसके किसके हैं? ओके, क्या कौन सा करते हैं? 14 है, अब भी संभल के चलना पड़ेगा, एक ही है रास्ता, अपने आप को बचा के चलो, अपने आप ही मोटिवेट करो, सिचुएशन के सामने निमटने को, और किसी को अपमान मत करो, अपशब्द मत, नहीं तो आपके प्रॉब्लम और बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है कार्मिक नंबर हो गया, मास्टर नंबर हो गया, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं रिलेशनशिप, मुझे 2 मिनट दे रहा, मैं आता। अब नेक्स्ट देखते हैं पे, थोड़ा लोसोगी पे पढ़ते फिर थ्योरी पर। व्हाट इज अ लोसोगी? ओके, एक 3 बाई के 3 के खाने बना लीजिए, 3 बॉक्स, एक डब्बा डालिए उसमें, 3 लाइन मारिए, 3, 2 ओरिएंटल 2 वर्टिकल, तो कितने बन जाएंगे बॉक्सेस? 9 बॉक्सेस बन जाए। हाँ जी, 2 बॉक्सेस बना लीजिए,
आप एक बॉक्स बना लिया वैसा ही दूसरा बॉक्स बनाइए, दो बॉक्स बना। इस तरह से बॉक्स बना, तीन बॉक्स, और इसमें वैल्यू लिख दीजिए 4923578 16 बोल के बोल दीजिए। इसका नाम है नुमरो चार्ट या नटल चार्ट, इस तरह से लिखिए 4923578 16। एक फिल करके ऐसे रख लीजिए और एक है कि एम्प्टी भी बना लीजिए, उसके ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर लिखिए, उसके ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ, मूलांक, भाग्यांक लिखना है। नंबर नहीं डालना है अभी, एक तो नंबर डाल के रखिए और बाद में कैसे डालना है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है मैं समझ। हाँ जी डाल दिया। अब जिसके क्वेश्चन आंसर में लास्ट में लूंगा, प्लीज हैंड डाउन कर। चलिए ये हो गया आपका ग्रिड। अब आज की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, ग्रिड कैसे डालना, ये ग्रिड क्या है, ये ग्रिड जो है इसे कहते हैं नटल चार्ट या नुमरो चार्ट। आप लोगों ने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी में एक चार्ट आता है ना, पहले सबसे जो चक्रकुंडली बनती है उसमें चार्ट आता है, वो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। ये जो चार्ट है नुमरोलॉजिकल चार्ट। ओके फर्स्ट, अब जो काउंट कितने लाइन है काउंट करिए, कितने लाइन्स है, कितने लाइन्स है कोई बताइए। हाँ जी कितने लाइंस है चार्ट बॉक्स में बताइए, कितने लाइंस होते हैं पूरे, जो अभी चार्ट बताया कितने लाइंस है चार्ट बॉक्स में बताइए। हाँ जी चार्ट बॉक्स में बताइए। तो बॉक्सेस है, मैं लाइन की बात करूं, कितने लाइंस है इसमें जो है 9 बॉक्सेस होते हैं, तीन वर्टिकल, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ 9 लाइनें कितनी है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन, सात लाइन, आठ लाइन, कितने लाइंस हैं, आठ लाइन है, 9 बॉक्सेस है। अब पहले बॉक्स में कौन सा नंबर आता है हमेशा, 4 9 2 3 5 7, नेक्स्ट क्या है 1 8 6, करेक्ट है ना। हाँ जी 8 1 6 8 फिक्स होता है नंबर। अच्छा कौन बताएगा, मेरे लास्ट रूम में कौन से नंबर आते हैं, अनमिट कर दिया, पूछिए बताइए। 816 सर, 816 अलग है, 816 अलग है, 816 बोलना है, एक ही बॉक्स। हाँ जी 816 ये लाइन में कौन सा नंबर आता है, ये क्रॉस में कौन सा नंबर आता है, 4 5 आठ आठ पांच दो नहीं आठ पांच दो
ये सुनते नहीं बस 4 5 6 4 5 6 किसी को अवार्ड नहीं मिल रहा है, सोच के आंसर दीजिए ना समझदार की तरह। क्वेश्चन नहीं सुन रहे हो, कुछ भी नहीं सुन रहे हो, बस बोलते जाते हो। मैंने बोला ये लाइन में कौन सा कौन दे रहा है, ये लाइन भी तो है ना, ये लाइन कौन सी है? हाँ जी बताइए, जल्दी बताइए। और ये लाइन में कौन सी है, नंबर कौन से? ये लाइन में 2 5 9 5 1 ये लाइन में 9 5 1 9 5 1 9 5 1 ये लाइन में 3 5 7 2 7 7 7 और ये लाइन में 4 9 2 4 9 2 यस। कितने लाइंस हैं? 8 लाइनें हैं। कितने बॉक्सेस हैं? 9 बॉक्सेस। और नंबर की पोजीशन फिक्स है, अलका ट्रेन में जाएगी तो S18 में, S120 है तो कहाँ बैठेगी जाके? S120 में बैठोगी ना, फ्लाइट में वो जो नंबर आया वहीं जाके बैठोगी ना। इंटरनल चेंज हो जाए अलग बात है, पर ऑफिशियली वही सीट है। आपकी सीट पे कोई बैठ सकता क्या? नहीं बैठ सकता, उठाने का अधिकार है। तो नंबर का फिक्स पोजिशन है। अपने पास कितने नंबर है? 9 नंबर ही है ना। इसीलिए हनुमान जी के अंदर, हनुमान जी की चालीसा में आता है अष्ट सिद्धिया 9, क्या आता है कुछ बोल पाए? हाँ जी हाँ, तो समझ गए इशारा। ये वो सिद्धियों की बात कर रहे हैं हनुमान जी की। और ये इसे कहते हैं नटल चार्ट। ये चार्ट इंडियन ही है, ये इसे पहले कहते थे लक्ष्मी यंत्रा या फिर गणेश यंत्रा कहते थे। वो चाइना जाके लोशोगिर बन के आ गए। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी बताते हैं, वो सब स्टोरी नहीं बोलता हूँ, मैं मानता नहीं स्टोरी को। वो उसको लोशो को मिला था एक टाटा, इस पे था, सब लोगों ने सुना होगा ना। अब जो उस पे गया था नदी में मिला, उसके ऊपर नंबर थे, काय का नंबर थे भाई हमारा, लेके जाके अपने हिसाब से मोल्डिंग कर लिया उन्होंने, अपने हिसाब से कर लिया। हम भी पागल है क्या कर रहे हैं, उनको ही फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, क्योंकि उस तक थोड़ा रिफाइन है। हमारा गणेश यंत्र का पर्पस अलग था, उनका लोचो की का पर्पस अलग है। आप इस ग्रिड से पूरी उसकी लाइफ की हिस्ट्री को पढ़ सकते हो, आने वाले प्रॉब्लम, गए से प्रॉब्लम, कैसा रहेगा सब कुछ। कितने कितने बनते मालूम? फैक्टोरियल 9 चीजों से, इतनी बार फैक्टोरियल 9 कितनी बार होता है मालूम? 9 × 8 × 7 × 6 × 5 सब उतने कॉम्बिनेशन बनते हैं, उतने कॉम्बिनेशन बनते। कब तक याद रखोगे? चलो अब ग्रिड बनाना है तो क्या करना है? सबसे पहले आपके आपकी डीडी एमएम वाईवाई चाहिए। डीडी एमएम वाईवाई मतलब डीडी, डेट ऑफ बर्थ, मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर लेते हैं ग्रिड बनाने के लिए। ओके ना, आप कहीं से भी टोटल कर लीजिए, क्या हो जाए, कितना आएगा? 15 ही आएगा, कहीं से भी 15 है। ओके, कहीं से भी करो 15 ही आएगा। नेक्स्ट नंबर की पोजीशन फिक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है यहाँ पर ग्रिड में, कौन बोल पाएगा? जो नुमरोज जानते नहीं है वो देवदाना नहीं बोला था मैं, दो गैंग होती है नंबर में, ये बुध है 5 नंबर। अरे रुकिए ना, आप ही पढ़ाना शुरू कर दीजिए ना। थर्ड नंबर बृहस्पति का और 6 नंबर शुक्र का। हाँ जी नहीं, नंबर 129 नंबर में दो टीम्स होती है, दो गैंग्स होते हैं, लिख लीजिए, देवो वाले गैंग्स, दानो वाले गैंग्स, देवो वाले गैंग्स,
दानव वाले। देवों के गैंग में कौन कौन है मेंबर्स, टीम मेंबर कौन से है? एक दो तीन नौ, 1 2 3 9। ओके, दानव के गैंग में कौन कौन है, टीम मेंबर प्लेयर्स कौन कौन है? 4 6 7 और 8 है। दो क्रिकेट टीम है, अपोजिशन की क्रिकेट टीम है। इधर कौन है, दानों के टीम में कौन कौन है क्रिकेट टीम में? 1 2 3 9। उसकी टीम में कौन है? 4 6 7 8। 4 6 7 8। फिर 5 कहाँ गया भाई? 5 बिन पेंदे का लोटा है, इधर भी टूटेगा कभी उधर, इसीलिए वो सेंटर में है। इंपॉर्टेंट स्मार्ट है, जो समय देखकर अपनी चाल चेंज कर देगा, वो अपनी चाल चेंज कर देगा। नेक्स्ट, अब इनका टीम प्लेयर कैप्टन कौन है? दानों का कैप्टन है 6 नंबर। देवों का कैप्टन कौन है? नंबर 3। क्या ये दो कैप्टन से बनेगी क्या? नहीं बनती, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, विरुद्ध। ये क्लियर हो गया? अब 5 किधर भी नहीं है, अब 5 का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो गया। क्यों? इधर 4 मेंबर है टीम में, इधर 4 मेंबर है। सपोज क्रिकेट की टीम 5 लोग चाहिए इसमें, अब एक किधर करे, किधर जाएगा? बहुत स्मार्ट है, इधर भी जाएगा इधर भी, इसीलिए 5 नंबर जो ग्रिड में, 5 नंबर सेंटर में है। सबसे दोस्ती है इसकी, 5 नंबर की सबसे दोस्ती, किसी से दुश्मनी नहीं है। इधर भी वाले बुला रहे, उधर वाले भी बुला रहे, इसीलिए 5 नंबर जो है सेंटर में है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है। ओके, इसे कहते हैं ग्रिड। ओके, अब ग्रिड में 5 नंबर नहीं है, उस ग्रिड को कहते हैं, उस नटल चार्ट को कहते हैं, उस निमरो चार्ट को कहेंगे कि वो चार्ट वीक कहेंगे। अब मैं अलका के घर पे चले गया, अब चाहे तो मुझे क्या क्या खिलाया बताता हूँ आपको। मेरे डाइनिंग टेबल पे क्या क्या सर्व करें? दाल करी, पापड़ करी, अचार करी, सलाद करी, ओके, दही दे दी, बस दही दे दी। क्या मैं पेट सेटिस्फाई होके आऊंगा क्या उसे घर पे से? क्यों नहीं आऊंगा? रोटी नहीं मिली, रोटी नहीं है, चावल नहीं, खाऊंगा किससे मैं? तो उसी तरह से 5 नंबर ग्रीड में इंपॉर्टेंट नंबर है, बाकी नंबर कुछ भी हो जाए, 5 नहीं है तो वो ग्रीड क्या कहेंगे? ग्रीड क्या कहेंगे? वीक ग्रीड कहेंगे। आप अलका के घर पे गया, मेरे सिर्फ सवाल बताए क्या कहेंगे? वीक ग्रिड, वीक कमजोर ग्रिड, ओके कमजोर, वीक नहीं, वीक कमजोर। अब मैं अलका के घर पे गया, ट्रिपल फाइव हो तो सर, ट्रिपल फाइव हो तो ओके। अब जो अब मैं अलका के घर पे गया, मुझे क्या क्या खाई? दाल और रोटी खिलाई। मैं सेटिस्फेक्शन होके आऊंगा नहीं आऊंगा? हाँ जी, सेटिस्फेक्शन होके आऊंगा ना मैं। निरुपमा जी, गोयल जी, आपको 10 बार से म्यूट कर रहा हूँ, बार बार आप है ना अनम्यूट होकर डिस्टर्ब कर रही हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा फ्लो मिस हो जाता है, मैं एक रिदम में पढ़ाता हूँ, मैं कोई सेंटेंस ऑन द स्पॉट देख, लोगों को देखते मैं सेंटेंस चेंज करता हूँ। ओके, तो 5 नंबर क्या है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? ग्रीड में सबसे दोस्ती है उसकी, सेंटर में, इस साइड भी है, उस साइड भी है। अब उस साइड भी है, सपोज इनका इलेक्शन हो गया तो किस साइड डालेगा? उस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, इसीलिए सभी लोग इससे दोस्ती रखना चाहते हैं पास, इसीलिए वो सेंटर अट्रैक्शन है, इसलिए 5 नंबर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रिड में बाकी नंबर नहीं है, 5 है तो ग्रिड को स्ट्रॉन्ग ग्रिड कहें। अब ये ग्रिड कैसे बनानी है? बनानी क्या है? कुछ भी नहीं है, जो किसी की जन्म तारीख 1 तारीख से 9 तारीख तक है वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग ग्रिड बनाएंगे। ग्रिड कैसे बनाएंगे? पहले डीडी के फॉर्म, डीडी, अच्छा सभी लोग क्या कीजिए, पहले डी 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 एम एम वाई वाई डाल दीजिए अलग अलग, जहां नंबर आ रहा है
अब अलका जी यस सेवन में 20 प्लेस पे थी, कहाँ जाके बैठेगी? 20 पे सीट 20 पे ही जाकर बैठेगी, 21 पे नहीं बैठेगी। ओके ऐसे ही हम देखेंगे ग्रिड कैसे बना। चलो किसी किसी ग्रिड बनाएंगे अभी, वो देगा नंबर। सर एक नंबर दो बार आए तो कैसे लिखना है सर? एक मिनट मैं आ रहा हूँ ना। सर आप सपोज आज की तारीख है 16 तारीख, 16 1972। हाँ जी बोलिए। 24 फरवरी कितना? 24 24। 24 फरवरी 1972। मूलांक कितना हो गया? 6। छह क्या पता नहीं, गुलांक 6 भाग्यांक भाग्यांक हो गया चार सात दोनों 10 19 19 किसकी किसकी डेट ऑफ बर्थ है? 28 28 वो नाइन बोलिए होगा ना। सर, अरे बोलो नाइन किसकी डेट? नाइन होगा नाइन सर। है। हाँ नाइन। और कुआ नंबर किसका कितना है? ये सर कुआ नंबर है 1। हाँ जी वन है। अब इसको बुलाया मैंने, क्या बुलाया? अब दो एक नंबर बोला मैंने, यहाँ से एक, ये नंबर दो है, कहाँ जाके बैठेगा? ये कहाँ बैठेगा? दो दो की जगह ये है, दो की जगह जब बैठ गया, फिर चार है, चार की जगह बैठ गया। तो याद है ना आपको, लिखा ना आपने, जीरो को निकाल दी, फिर दो की जगह दो बैठ गए, वन की जगह वन बैठ गया जाके, नौ की जगह नौ बुलाया, सात सात की जगह बैठ गया, फिर नौ की जगह नौ बैठ गया। होगा ये याद हो गया? इतना डाल दीजिए अपने ग्रिड पर, अपने अपने ग्रिड में डाल दीजिए, तो डाल दीजिए फिर मैं सर बात। इसमें एक सर वन मिस हो गया शायद, वो नंबर के साथ एक वन मिस हुआ है। मैं कुआ नंबर डाला ही नहीं ना अभी, मैं कुआ नंबर डाला ही नहीं ना भाई, और डी डी एम एम वाई वाई डालिए ओके ओके सॉरी 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 पहले जब तक ग्रिड बना लीजिए। नूरो चार्ट बोलते हैं या नटल चार्ट बोलते हैं या लोटस ग्रिड। चलो डाल दिया, हो गया ये। डाल दिए सर। चलिए अब क्या करना है, अब बाद में मूलांक भी डालना है, भाग्यांक भी डालना है, कुआना। एक कंडीशन में बाद में बताऊं, अच्छे की प्लेस में 6 आ गया, नौ की प्लेस में 1 आ गया, 9 आ गया, और एक की जगह एक। हो गया ये क्लियर? हो गया। अब इसको लिख देंगे 9, इसको मूल यम लिख देंगे, ये तो मूलांक से आ गया। नौ कहेगी भाग्यांक गया, भाग्यांक लिख, और ये कहेगी कुआ नंबर के डिफरेंस करने की, बाकी वैल्यू जो है ये। आप ये नंबर नहीं है ना, 5 नंबर, हाँ जी ये 5 नंबर है क्या इधर? नहीं है, 3 नंबर नहीं है, 5 और 8 नंबर नहीं है। तो ये ग्रिड वीक है, स्ट्रांग है, वीक क्यों नहीं है? है वीक क्यों सेंटर है? क्यों है? पांच नंबर नहीं सेंटर नंबर ही नहीं है। अलका जी ने खाना खिलाई नहीं, सेम दाल चावल खिला दी, रोटी खिलाई नहीं, चावल खिलाई नहीं, रोटी नहीं खिलाई, इसीलिए ये क्या है? वीक। आप इसको क्या कहते हैं? मिसिंग नंबर। इसे क्या कहते हैं? मिसिंग नंबर। इसे कहते हैं मिसिंग नंबर। और ये नंबर दो, कोई भी नंबर दो से ज्यादा बार आए तो उसे कहते हैं रिपीटेशन ऑफ। कितनी बार हो रहा है रिपीटेशन ऑफ नंबर? दो बार। दो कितनी बार आ रहा है? तीन बार। तो रिपीटेशन हुआ ना चार। दो तक आए तो यस कोई रिपीटेशन नहीं मानते। नौ रिपीट, दो दो बार आज कोई रिपीटेशन नहीं है, एक एक दो बार रिपीटेशन नहीं है, मगर सात एक बार तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर चार दो जो तीन दो से ज्यादा बार आ रहा है, दैट नंबर इज कॉल्ड एज ए रिपीटेशन। नाउ अब इस ग्रिड के अंदर एक रूल है, ये तो ठीक है, ये तो बन गया। हाँ जी इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बना लिया आप सभी ने? बना लिया? किसने नहीं बनाया? हाँ जी बना लिया सर, बना लिया। नहीं, किसने नहीं बनाया वो हैंड राइज कर लीजिए।
सभी ने बना लिया? हाँ जी, मैं आपको धनराज जी, आपको मैं शर्ट पहन के आने के लिए शायद कल भी बोला था मैंने, प्लीज शर्ट पहन के आइए पब्लिक पे फॉर्म में प्लीज, ओके। एक्चुअली ऐसा सर आपने बोला था सिंगल नंबर जिसका है उसको उसने नहीं बनाना है करके, सिंगल क्या नहीं बोला मैंने? नंबर है मेरा, थर्ड नंबर है, डेट ऑफ बर्थ मूलांक पी नहीं मेरा। मैंने सब, 1 मिनट, मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी तक तुम्हें। ओके सर, मैं, थैंक यू। आप पहले भी अटेंड किए शायद ना आपने? हाँ अगला लास्ट वाले की कल किया था मैंने। प्लीज बट टीचर टी शर्ट पहन के आइए यस प्लीज, सर, अच्छा लगता नहीं कि यूट्यूब में जाता, यस सर, ये आपका भी इम्प्रेशन खराब होगा मेरा भी। आज नेक्स्ट, ओके okay. अब जो डेट ऑफ बर्थ है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 129 रही, किसी की डेट ऑफ बर्थ 129 रही, तो क्या करोगे? लिख लीजिए, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 129 रही तो मूलांक और भाग्यांक सेम रहेगा, ओके सेम नहीं रहेगा? 9 तारीख, 9 दिसंबर आया तो क्या होगा? 9 दिसंबर 2002, तो मूलांक कितना होगा? 2 होगा, डेट भी 2, डेट भी 2 होगी ना, डेट भी 9 होगी और मूलांक भी 2 होगा। और वैसे ही 1 आया तो मूलांक भी 1 होगा, भाग्या सॉरी मूलांक भी होगा, डेट भी 1 होगा। ओके okay? तो मतलब क्या है, वैसे समय पर हम ग्रिड में नंबर नहीं डालते, एग्जाम्पल लेते हैं, यस सर, जैसे हम 6/12/78 है, 6/12/1978। रुकिए सर रुकिए, अब सपोज किसी की तारीख 1/7/2024, तो इसका मूलांक क्या हो गया? 1। भाग्यांक कितना हो गया? 6, 8, 8, 16, 16 यानी 7 हुआ नंबर, सपोज मेल है, 11 - 3 हो जाए, करेक्ट है ना? अब ग्रिड डालते हैं, पहले तो इसका ग्रिड डालते हैं, 1 की जगह 1 डाल दिया, 7 की जगह 7 डाल दिया, 2 की जगह 2 की जगह 2, ये 4 हो गया ये। अब मूला भाग्यांक को भाग्यांक की जगह डाल दीजिए और बी लिख दीजिए भाग्यांक, और के को 3 है, 3 को सॉरी 3 है तो इसको कुआ के लिख दिया, कुआ नंबर। अब भाग्यांक मूलांक के कॉन्टेक्स्ट में एक रूल है, यदि किसी का भी डे ऑफ बर्थ जन्म तारीख 1 से 9 होती है, उनका मूलांक, अब ये भी डाल दिया ना, उनका मूलांक नहीं डालते, यहाँ नहीं डालेंगे, एक ही बार डाला, 2 बार नहीं डालते, ही रूल है। अब सपोज किसी जन्म तारीख 2 है तो मूलांक डालेंगे नहीं डालेंगे? हाँ जी, कोई बोल देगा? नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे, बस नहीं यही, डालेंगे, इतना इतना ही रूल। अब 9 है तो, नहीं सर, 8 है तो नहीं नहीं डालें मूलांक, नहीं, 10 है तो, डालेंगे सर, 20 है या डालेंगे उस टाइम पे डालेंगे। हाँ जी चल, मैं डेटा पर बोलता हूँ, उसे उसका ग्रिड बनाना, 7/12/1998 फीमेल है, 1998। एक बार डेट कोई भी रिपीट कर दीजिए, बाकी जो लिखा नहीं मैंने क्या बोला मुझे याद है, 7/12/1998। 7/7/1998। यस हाँ डालिए, अब इसमें बोलिए मूलांक 7 डालेंगे नहीं डालेंगे? नहीं 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 नहीं, डालेंगे, बस यही एक रूल है, भाग्यांक डालेंगे पर मूलांक नहीं डालेंगे, प्रारब्ध 2 बार रिपीट नहीं हो सकता।
इसीलिए वो सात क्या है, प्रारब्ध। प्रारब्ध तो दो बार एंट्री नहीं दे सकता। बना लिया सर, हाँ जी बना लिया ना, बन गया। बन गया ये, इससे ग्रेड बोल। उसमें कितने नंबर मिसिंग है, जो डेटा पर बोला कौन से नंबर मिसिंग है, कौन बताएगा? उसमें 4 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 8 मिसिंग है, और 5 मिसिंग है, और और छह नंबर मिसिंग है। अच्छा नहीं ऐसा मत बोलो, कौन से नंबर मिसिंग है ये बोल दो। 4, 3, 8, ऑर्डर फाइव ऑर्डर एंड में, सिक्स। ऑर्डर में, ऑर्डर में बोलो, इजी रहता। 3, 4 तो यहाँ पे मिसिंग सर। तीन नंबर आते हैं, 3, हाँ 5 और जी, 6। तो कितने मिसिंग आएंगे? 4, 3 5 और 6 आएंगे सर मिसिंग। ऑर्डर में बोलो ना, धीरे धीरे। वो कहाँ जाना है आपको, दिन 4, 5 आज काम करो, कल करेंगे, कल का काम परसों को, जल्दी कहाँ जाना है? हाँ जी 4, 6, 8 सर। सर हाँ, 4, 6, 8। 5 है क्या इसके अंदर? नहीं है सर, तो फिर फाइव सर फोर थ्री सिक्स फाइव और सिक्स मिसिंग आएगा सर। तो फिर बुढ़ाक इसका साथ रहेगा। 1 मिनट, सिंपल एक आंसर देना है। कौन दे रहा आंसर? पांच पांच मुनीष आंसर आ, एक ही आंसर। कौन से रिपीट है? यस सर, मैं बोल रहा हूँ सर, मुनीष बोल रहा था हाँ जी, सर। इसमें सर एक मिसिंग रहेगा, 3, 5 और 6 तीन डिजिट मिसिंग रहेंगे, क्योंकि तीन रहेंगे। फोर आ जाएगा, क्योंकि कुआ नंबर 4 है सर, कुछ फीमेल है ना, तो कुआ नंबर 4 है, भाग्यांक 1 है आठ आठ नहीं है क्या मिसिंग? सर, मेल है आठ है फीमेल ना, है? 1998 है। मेल 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 है सर, ओके, फीमेल 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 जो भी किया। है ना। हाँ, तो फिर देन इट हाँ 5 इज 2, 5 दो बार है। आपने फीमेल का बोल रहे हो, फीमेल का बोल, मैं फीमेल के लिए बोल रहा हूँ सर, तो नहीं ये मुनीष मैं गर्ग। फीमेल का बोल रहा हूँ सर, फीमेल का, हाँ फीमेल का। तो फीमेल का, तो 5 2 बार कैसे आ रहा है? मिसिंग है पांच सर मेरा, सर, तो सर तो 3, 5 और 6 मिसिंग है मेरा सर। किस किसका ले? मैंने नाइनटीन मैंने सर 1998 एक एडेड मिनट, अप। मैंने जो डेट ऑफ बर्थ थी उस पे काम करना था ना, आपने कौन सी डेट ऑफ बर्थ पे बोला? सर मैंने जो आपने आपने दिया है 7/12/1998 98, सो 7 7/12 कब दिया? मैं कौन सी डेट दिया? आ, 7 दिसंबर 1998 ही दिया हाँ सर। तो फिर ये फिर 12 बोल रहे, 5 कहाँ से आ? मैंने सर आप, 1998 में सर अगर हाँ हम जी लगाएंगे एक तो एक मिनट, एक सर आपने दिसंबर बोला था इस, हाँ जी डेट कौन सी बोली हम मैंने? सात 7/12/1998 बोला है सर। हाँ 98, नाइनटी एट 98 हाँ तो अब बोलो मेरे मूलांक कितना हो जाए? 7 हो जाएगा, सात भाग्यांक एक एक हुआ एक, करेक्ट, और एक कुआ हुआ चार नंबर फीमेल है तो चार 4, तो चार 5 तो मिस होगा ना, होगा नहीं होगा उसमें, 5 मिसिंग बिल्कुल। होगा। 3 है मिसिंग सर, 3, 5 और 6 एक अरे एक मिनट, 5 कैसे मिसिंग नहीं होगा आप बोल रहे हो? कैसे मिसिंग नहीं बताओ मेरे को, यहाँ पर देखो। तो अरे एक मिसिंग है तो सर, मिसिंग है फिर क्यों नहीं बोल सर। रहे मैंने फिर जल्दी क्यों? पूरा कैलकुलेट करके आराम से बोलो ना, जल्दी जल्दी कहाँ भागना है बोलो, आज को काम कल कर। अरे अमित जी ने बोला था सर वो। हाँ जी, अब कौन से नंबर मिसिंग है लास्ट में, कौन बोलेगा? अलका जी, 3, 5, 6 अलका जी आपका नाम है? हाँ जी अलका जी, 3, 5, 6 अलका जी आपका नाम है? हाँ जी अलका जी सही। हाँ जी नीतू अरोरा बताइए, कौन से नंबर मिसिंग है? सर 3, 5 और 6 तीन पांच छह। अमित जी कौन से नंबर मिसिंग? नलिनी कौन से है? नलिनी हाँ जी, कौन बताएगा? 6 नंबर 3, 5 3, 5 अलका या विनीता, कौन से नंबर मिसिंग? हाँ जी सर 3, 5 और 6 मिसिंग ओके फाइन। और कौन से नंबर मिस रिपीट हो रहे हैं? कौन बताएगा? एक मिनट, है। 9 and 11, 9 9 and 1, 9 and 1, only नाइन, one repeated हो रहा है सर, 9 तो दो बार वन, है, नाइन कितनी only बार? one, रोहित नाइन रोहित रिपीट हो रहा है, टाइम्स है, ओके only one फाइन repeated होगा सर, 9 तो दो बार ओके ही है। ओके फाइन ओके फीमेल फाइन, समझ में रिपीटेशन ऑफ नंबर आ रहे हैं। अब ये थ्री देखेंगे, फाइव
चलिए एक लास्ट टॉपिक लेते हैं आज के लिए। हजार तीर चार नंबर रिलेशनशिप बोल दिया क्या कल मैं आपको बता दिया क्या नंबर और रिलेशनशिप ये होगा क्या टॉपिक नंबर एंड रिलेशनशिप कोई बताएगा। हाँ जी ये टॉपिक हो गया क्या नंबर एंड रिलेशन और राज हो गया नहीं हुआ चलो। एक फैमिली है और राजा की फैमिली है क्या है राजा की एक फैमिली है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी मैं समझा देता हूँ। एक राजा की फैमिली है राजा के नौ वो है राजा खुद राजा है ओके हाँ नहीं समझा आपको। एक राजा है राजा की फैमिली में नौ इंपॉर्टेंट रोल होते हैं खुद राजा होता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। आज के हिसाब से देखेंगे राजा का मतलब फादर घर के कॉन्टेक्स्ट और किंग का मतलब देश का प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति आज के दौर। मून का मतलब है क्वीन यानी रानी और आज के हिसाब से देखेंगे कौन होगा मदर घर के हिसाब से देखा जाए। तीन का मतलब है जुपिटर यानी राजगुरु राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से गुरु आज हमारे हिसाब से टीचर या काउंसिलर जो आपको काउंसिलिंग करते आपको मार्गदर्शन देने वाले मेंटर्स आपके ऑफिस में काम करने वाले सीनियर्स। राहु राहु यानी रॉबिनहुड गुंडा घर के बड़े और आपके पर्सनल बॉडीगार्ड चार नंबर पर्सनल बॉडीगार्ड। पांच यानी राजकुमार आज के अपने हिसाब से देखा जाए तो बेटा कजिन्स और फ्रेंड्स भी मेरे में ही आते हैं। वीनस यानी प्रिंसेस राजा की सब अपने हिसाब से डॉक्टर और साथ साथ एक राजा के मंत्री भी या पार्टनर बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर वो सब वीनस में आते हैं। सात नंबर जो प्रजा होती है या बच्चे होते हैं या फॉलोअर्स होते हैं यूट्यूब पे किसी धर्म को फॉलो कर रहे हो किसी को फॉलो कर रहे हो फेसबुक पे फॉलो हो रहे हो ये सब फॉलोअर्स सात नंबर से दिखते हैं। आठ यानी जज या सर्वेंट जो भी जो पब्लिक सेवा कर रहे हैं वो सभी सर्वेंट। नौ यानी सेनाधिपति आर्मी नेवी एयरफोर्स पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ओके जो भी भारत सिक्योरिटी फोर्स जैसे कोई भी सिक्योरिटी हो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो समाज की सुरक्षा करते हैं वो सब मार्स में काउंट होते हैं। चार नंबर वाले सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो पर्सनल बॉडी गार्ड होते हैं या अपने वॉचमैन है वो पर्सनल पब्लिक लेवल के लिए मतलब नहीं वो बिल्डिंग को या पर्सन को सुरक्षा दे रहा है उससे मतलब राहु है। ये लोग जो है वो देश की सेवा पब्लिक लेवल पे कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर रहे हैं। मोदी की जो सुरक्षा कर रहे हैं साल के 400 करोड़ रुपए लगते हैं उसके वो सब मोदी की सुरक्षा कर देश की सुरक्षा से मतलब नहीं है उसका देश में क्या हो रहा है उनको मतलब नहीं है जाकर बॉर्डर पे लड़ते नहीं है वो सिर्फ मोदी से ही लड़ेंगे मोदी को सुरक्षा दे ओके। ये इस तरह से 129 नंबर जो है एक फैमिली के रिलेशनशिप क्लियर हो गया। वन नंबर कौन है राजा और या फादर दो नंबर रानी या मदर तीन नंबर गुरु टीचर काउंसलर मेंटर गाइड और चार गुंडा या सिक्योरिटी पांच कजिन्स अपना बेटा कजिन्स छह नंबर बेटी पार्टनर्स या राजकुमारी सात प्रजा या फॉलोअर्स आठ सर्वेंट्स जज नौ मार्स यानी सुरक्षा देने वाले एट लार्ज स्केल यानी पब्लिक लेवल की सुरक्षा।
ओके, या बड़े भाई बहन सिबलिंग्स, ये क्या है नाउन नंबर्स। समझ में आया अभी रिलेशनशिप? ये कुछ में कुछ ज्यादा वो नहीं है, और एक टॉपिक ले लेता हूं ताकि कल थोड़ा लोड कम हो जाए। हाँ जी, ये इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 81 कॉम्बिनेशन। यहां पर देखिए कुछ कॉम्बिनेशन निगेटिव है, कुछ कॉम्बिनेशन में 100% है, 30% है, 40% है, 70 है, निगेटिव भी है। जैसे टू के कॉन्टेक्स्ट में सब क्या है लो लो है, वन के कॉन्टेक्स्ट में सब हाई हाई है, एक आठ को छोड़कर, दो के कॉन्टेक्स्ट में आठ को छोड़कर बाकी सब लो है, निगेटिव है। तीन के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा वो नहीं है, और पांच के कॉन्टेक्स्ट में मोर देन 70% एवरेज। सिक्स के कॉम्बिनेशन में कुछ पॉजिटिव और निगेटिव है, आठ के बहुत ही कम है, नौ के देखिए परसेंटेज कम है। ये इस साइड देखते हैं भाग्यांक, इस साइड देखते हैं मूलांक, राइट साइड भाग्यांक, लेफ्ट साइड डाउन साइड मूलांक। ये बताता है आपके 81 कॉम्बिनेशन के सक्सेस रेट दिखाता है। क्या दिखाता है? 81 के कॉम्बिनेशन के सक्सेस। अभी अपना अपना देख लिया ना, अपना अपना मूलांक भाग्यांक का देख लिया ना, रेट कितना कितना है। हाँ जी बताइए कितना कितना है। सर पिक्चर क्लियर नहीं था वो। तो मेरा 70% आ रहा है। 70%। और इसका कितना आ रहा है नीतू अरोरा? हाँ जी पंकज का कितना आ रहा? हाँ अनम्यूट कर बताइए। सर मेरा नेगेटिव आ रहा है, 50% आ रहा था। ये शेयर हुआ क्या? एक बार वापस इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर मेरा 9-1 आ रहा है। 9-1 कितना होता कॉम्बिनेशन? 9-1 कितना है, कितना है? हाँ बोलिए अभी 9-1 किसने बोला? हेलो हाँ जी वर्षा जी कितना है आप? आवाज आ रही क्या मेरी? 80% नहीं, ये पांच पांच बार प्रश्न क्यों पढ़ रहे? अरे तीन बार दिखाऊं। हाँ जी ओके। हाँ जी सर मेरा 50% 50% ये सक्सेस रेट है। आप जीवन में जितना सगल करोगे उतना, जितना सगल करो उसका 50% ही आपको सक्सेस मिलेगा। इसलिए इसे कहते हैं सक्सेस फैक्टर ऑफ मूलांक और भाग्य, सक्सेस फैक्टर ऑफ मूलांक एंड भाग्य। ओके अब सिंपल बताता हूं, लोशोगिट क्या है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी को खींचने वाले कौन है? मूलांक भाग्य। बैलगाड़ी को खींचने वाले कौन है? मूलांक और, मतलब दो बैल है, बैल गाड़ी के बैल है कौन? मूलांक और भाग्य, और गिर जो है वो बैलगाड़ी। तो इतना ही समझिए कल और आगे समझे। हाँ जी किसी को डाउट है पूछ लीजिए, अपने पर्सनल डाउट मत पूछिए क्योंकि आंसर दे नहीं, टॉपिक से रिलेटेड जो भी है वो पूछ लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट तो कीजिए। कल 250 कुछ भी है व्यूज, शायद अप्रोक्सीमेटली एक कमेंट दिया, तो क्या इतना बेकार है? मेरी टीचिंग इतनी बेकार है? हाँ जी तो शायद मेरी टीचिंग बराबर नहीं है सर, यही लगा मुझे। हाँ जी सबसे कम पूर्व लाइक्स आए हैं, कमेंट्स आए,
मुझे कोई जरूरत नहीं है, लाइक एक मोटिवेट होता है बाकी लोग जो काम कर रहे हैं मेरे साथ। हाँ जी, यहाँ तक लाने के पीछे 10 लोग काम कर रहे हैं। हाँ जी विनीता जी, सर मुझे ये पूछना है कि जैसे अगर नेटल चार्ट में आपके 5 नंबर प्रेजेंट है, तो अगर आपका चैलेंज नंबर भी कोई 5 आ जाए तो उसका आपस में कोई लिंक है? ठीक हाँ जी अभी बाद में। हाँ जी टू अर्ली है आंसर देना, अभी जो टॉपिक किए हैं। हाँ जी हाँ जी दीप्ति जी, सर, जैसे आपने वो मास्टर नंबर्स के लिए बताया कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हाँ के कैलकुलेशन में अगर वो मास्टर नंबर आते हैं तो ही उसको मास्टर नंबर कहा यस जाता है, यस यस बट सर जब हम लोग वाई 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 लिखते हैं तो सर वो तो बिकॉज ऑफ सेंचुरी वो पॉसिबल होता है क्या सर? कौन सा कोई ऐसी डेट का एग्जाम्पल आप बता सकते हो? आप खुद ही ढूंढिए, मैं क्यों बताऊं, आप खुद ढूंढ के लाके जी बताइए। मैं ढूंढिए 10-15 डेट, 15-20 डेट लीजिए और करके ओके देखिए। सर, ओके सर, हाँ जी खुद करिए, मैंने अपना काम कर दिया, आप प्रूफ कर दीजिए नहीं होता है। हाँ जी ये देखिए डेट क्या, 15/11/2001, तो इसका 11 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसको करें तो 2000 से 11 आ रहा है, 11 से 2 आ रहा है, इसका देखिए 29 से 11 आ रहा है और इसका 20 आ रहा है। ओके तो ये मास्टर नंबर नहीं, क्लियर हो गया? हाँ जी एग्जाम्पल बता दिया। हाँ जी बाकी जो बहुत सारे डेटा बर्थ लेके देखिए, खुद करिए रिसर्च, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। हाँ जी पूनम जी, सर ये शीट जो आपने दी थी मूल्यांक और भाग्यांक वाली, ये अलग अलग देखना है क्या इसके परसेंटेज? जैसे मेरा मूल्यांक का 70% आ रहा है, भाग्यांक का 80%, कि दोनों को मैंने मिला के देखना? कब बोला, इधर मूलांक है इधर भाग्यांक है, मूलांक और हाँ भाग्यांक कहाँ मिल रहे हैं उसका परसेंटेज नहीं। अच्छा ठीक है, 60%। 60% तो वो थैंक सिक्सटी यू, परसेंट मूलांक और ओके। भाग्य, बैल की गाड़ी जो है, बैल दो काम करेंगे ना एक साथ, ये वाइफ एंड हस्बैंड अच्छा, है। हाँ ये और वाइफ सर जो है, ये मूलांक जो है हस्बैंड है, और भाग्यांक जो है वाइफ है, वाइफ चेंज होती अच्छा, रहती है ना, वाइफ का नेचर चेंज होता है, हस्बैंड का चेंज नहीं तो होता क्या? कभी देखा कि अपने नहीं हस्बैंड का चेंज हुआ कभी? 20 साल, 15 साल, 10 साल हो चुके, हुआ कि जी? जी नहीं हुआ। चलिए जी सीमा जी, सर मेरा 50% आ रहा है भाग्य, ये परसेंटेज, और हाँ मेरे जी छोटे बेटे का 100% आ रहा है, जो मूलांक 1 है और भाग्यांक 9 है, तो उसका 100% आ रहा है। हाँ मैं ग्रीन में कौन से नंबर मिसिंग, 5 है नहीं? 5 नहीं है, 5 है, 5 है, 159 है, सिर्फ वही कंप्लीट है, बाकी अधूरा है। 8 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, क्या करता है? छोटा है अभी, 11 साल का है। आदमी बहुत रंग से राजा बन जाएगा, हाँ उसका दिख रहा है अच्छे बचपन से। दिख रहा है ना, रंग से राजा बनेगा, इतना पैसे कमाएगा, पूछो मत, कर जो उसको ठान लेता है कर लेता है, मतलब लेता है, बस करना जो है बात, करना हाँ है, कितनी भी चुनौती आया हो, कोई मना करे, कुछ करे, मार लगे, रात हो दिन हो, मेहनत करके पैसा कमाएगा और इतना डेवलपमेंट होगा उसका कॉन्टिनेंट। हाँ वो अभी से मतलब इतना स्ट्रांग, जितना कुछ भी काम बोलेंगे ना वो तुरंत कर लेता है, ऐसे बोलेगा नहीं मैं नहीं करूंगा, लेजी अगर लेजी लेजी नहीं होगा। अगर 4 काम बोलते तो 4 काम करके ही लौटेगा घर पे, सही यस फोकस है अच्छे से उसका। यस हाँ जी रिचर्ड, मेरी बेटी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 13th है, और जो धीरे उसका, धीरे 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 कान अच्छा फटने लगे। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ 13th है, 13 नवंबर,
क्वेश्चन क्या है? एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि उसका जो कार्मिक नंबर है वो 13 है और जो उसका भाग्यांक है वो 11 है, तो दोनों भी तो है, इन दोनों का, हाँ जी, कार्मिक नंबर भी है और भाग्यांक भी 11 है, यस यस, तो इसका मतलब क्या इम्पैक्ट होगा दोनों का, दोनों नंबर्स का? पूरी एनालिसिस कर, पूरी एनालिसिस, हाँ जी, पूरी एनालिसिस अगर मैं दोनों तरह से कैलकुलेशन करती हूँ तो ये मेरा मास्टर नंबर 11 दोनों तरीके से आ रहा है, मास्टर नंबर भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, दोनों भी के उसका, हाँ, पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी। अच्छा, ओके, हाँ जी, पूनम जी, हो गया ना आपका तो? हाँ जी, रणबीर जी, सर मेरा मूलांक 2 है और भाग्यांक 8 है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है ये पूछ रहे, क्वेश्चन बोलो। मैं पास नेगेटिव दिखा रहा है, जो आप अभी चार्ट में आया तो मेरा नेगेटिव आ रहा है। क्या मूलांक क्या है? मूलांक मेरा 2 है और भाग्यांक 8 है। हाँ, नेगेटिव रहेगा, सब कुछ काम करते करते इनमें जाकर रिवर्स गाड़ी पलट जाती सर, कुआ भी 8 है मेरा तो। हाँ, तो जो भी काम कर रहे हो सब काम सक्सेस होते होते हाथ से गाड़ी निकल जाए, ऐसा है? हाँ बिल्कुल है सर। क्या करते हो क्या? सर मेरा टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है जो आजकल चल नहीं रहा बिल्कुल। हाँ, सब कुछ चलते चलते, अरे टूर्स एंड ट्रेवल का तो इतना एवरग्रीन बिजनेस है, क्यों नहीं चल रहा है? सर यार इस टाइम सबके पास काम है, मेरे पास नहीं है। हाँ, अच्छा बिजनेस, एवरग्रीन है, खाना पीना, एजुकेशन, दवाई का, ऐसा चार कपड़े, ऐसे 5-6 बिजनेस है, ये हमेशा ही ग्रीन रहते, कभी डाउन नहीं होते बट नहीं। अभी बट मेरा भाग्य मोहन की वजह से कुआ नंबर भी आ रही है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, उसके वैसे के लिए पर्सनल ईयर में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरा 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 जो है मास्टर नंबर भी है, क्योंकि मेरा जो जन्म तिथि है 11/12/1974 है। तो प्रॉब्लम तो होगा ना, प्रॉब्लम तो होगा ना, मास्टर नंबर भी आ रहा है, सब कुछ होते हुए भी सब गड़बड़ हो रहा है। ये सब कुछ होते भी गड़बड़ होगा, सब कुछ होते भी रिवर्स हो जाएगा। बिल्कुल पांच ऐसे नहीं, हो रहा है। पांच पांच नहीं है, नहीं 5 नहीं है मेरे पास, मेरे पास 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, अच्छा तीनों मेन नंबर नहीं है। पांच नहीं है, 3 नहीं है, 6, हाँ तीनों ही नहीं है सर। आप दुर्गा चालीसा पढ़ना ओके रोज सवेरे एक बार, शाम के सोने से पहले और नहा धो के, अच्छा और हर तो बुधवार पूजा पूजा करते समय तो मैं पढ़ता हूँ। ये पूजा पढ़ना मतलब ये नहीं है कि मैं दंदन पढ़ लिया, ये नहीं है, शांत बैठकर एक स्थान पे बैठकर एक समय पर बैठकर दरवाजे बंद कर तन मन दिमाग पूरा उसमें ओके 48 48 48 दिन की 6 साइकिल करिए और फिर जीवन जो बदल जाएगा आपका, फिर मुझे मेरे आके बुझा के मेरी फीस दे। बिल्कुल सर, हाँ जी, कर लीजिए, बदल जाएगी। हाँ जी, हाँ सिंह जी, नमस्ते सर। हाँ जी, राधे राधे। सर मेरे बेटे का 5 नंबर मिसिंग है, उसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? मतलब उसको सक्सेस के लिए प्रॉब्लम है, मतलब अरे मेहनत अरे करने के बाद भी उसका जो जहाँ पे चाहिए उसको पहुँच पे थोड़ा सा के लिए वो कम हो जाता है। अच्छा, प्रॉब्लम बोलो, यस, ये क्या बोलते हैं, मतलब टॉपिक जो पढ़े हैं, क्या? एक मिनट, आप हाँ, अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके आपके क्वेश्चन सवाल नहीं देने वाला, टॉपिक जो पढ़े हैं, मतलब हाँ जो टॉपिक पढ़े हैं उस पे क्वेश्चन पूछिए। नहीं,
हाँ जी वो छोड़ दीजिए। हाँ जी अमित जी जो टॉपिक पढ़े उस पे पूछ पूछिए आप। सर यू हैव मेंशनड अबाउट द चैलेंज नंबर्स एंड यू हैव गिवन अ फोर काइंड ऑफ चैलेंज नंबर्स। यस यू हैव गिवन अस द फार्मूला हाउ टू कैलकुलेट देम बट यू हैव नॉट टोल्ड अस व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दोस नंबर्स लाइक इन एनीबॉडीज केस इफ इट इज 20112 इज कमिंग विल सी दैट। ओके ओके फाइन दैट्स ऑल। विल डिस्कस पॉइंट का भी नहीं बोल रहा एट्रीब्यूट बोलना बोल रहे हैं उसको दैट इज का भी चलिए पूछी जी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी अनम्यूट कर लीजिए अनम्यूट कर लीजिए आवाज नहीं आ रही। हाँ जी मल्होत्रा जी सर मेरे हस्बैंड का अरे एक मिनट क्वेश्चन क्या है रिलेटेड आज के टॉपिक सब टॉपिक समझ में आया नहीं आया उसके बाद में कुछ। हाँ जी विनीता क्योंकि इजी नहीं होता है किसी की एनालिसिस खुल करके बैठने में 2 घंटे लगते हैं आपके आंसर को देने के लिए सिर्फ इसीलिए सब्जेक्ट के रिलेटेड ही बात करने के लिए कह रहा हूँ नहीं तो कुछ भी बोलने 2 मिनट कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ जी इसीलिए। हाँ जी विनीता सर नेटल चार्ट में आपने जैसे फर्स्ट अगर आप फर्स्ट बॉर्न है या 10 है तो 10 को हम दो बार क्यों कंसीडर करते हैं मूलांक में भी और इंडिविजुअली भी और अगर फर्स्ट है तो फिर हाँ जी आपने जहां सीखा है उनसे पूछिए वो क्यों कंसिडर। ठीक है हाँ जी किसी और के क्वेश्चन मेरे प्लेटफॉर्म पे मत पूछिए। हाँ जी राजकुमार। हाँ जी रुचि गुप्ता। मेरे को सर पूछना था कि भाग्यांक और मूलांक का जो चार्ट दिखाया था ना वो मेरे से हाँ मिस हो गया तो एक बार फिर एक बार दे दीजिए ना। हाँ जी और पूछिए रुचि गुप्ता। हेलो हाँ जी रुचि गुप्ता सर ये पूछना है कि जैसे ग्लोशो ग्रिड मैंने बनाया है उसमें हम क्या कुआ नंबर लेंगे वो भी फिल करेंगे मैंने क्या बोला कुआ नंबर तो लेते ही है ना कुआ सर नहीं नंबर नहीं नहीं डाला मतलब था। यस कुआ जैसे नंबर नहीं डाला था ना मैंने किया नहीं डाला था ये चार्ट के अंदर। जी सर हाँ जी जैसे इस ग्लोशो ग्रिड में एक मिनट कुआ नंबर डालते हैं इफ एंड बट सर नहीं इफ एंड बट नहीं ओके डालते हैं अच्छा ठीक तो सर उसका इम्पैक्ट आएगा कुछ एक मिनट जैसे हुआ हुआ नंबर डालते हैं इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा वो आगे देखेंगे बट हमने सर आज क्या सीखा हुआ नंबर अच्छा डालना ठीक है सर जैसे 9 नंबर एक बार है डेट ऑफ बर्थ में तो सर 9 नंबर हम बिल्कुल नहीं लेंगे एक बार भी नहीं लेंगे। डेट ऑफ बर्थ में नहीं डीडी में है तो मूलांक के समय ही बात कर रहे हाँ, मूलांक में अगर सर 9 नंबर मूलांक है डेट ऑफ बर्थ में तो सर 9 नंबर जैसे तो 9 नंबर हम एक बार भी नहीं लिखेंगे उसका एक। अरे भगवान कहाँ अटेंटिव इसलिए बोलता हूँ पूरा वीडियो ऑन रखे पूरा सुनो नहीं नहीं सर आपने पांच बोला ना कि किसी का 1 से 9 नंबर आप रिकॉर्डिंग सुन। हाँ जी मुंशी सॉरी मुनीश सर जो मिसिंग नंबर है ग्रिड में जो का इंपैक्ट आएगा आगे इम्पैक्ट इम्पैक्ट मिसिंग इम्पैक्ट आएगा इम्पैक्ट नंबर रहते हैं यस इम्पैक्ट आएगा तो इम्पैक्ट आएगा मिसिंग नंबर है इसको अभी आगे पढ़ेंगे। देखते हैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा मैं टाइम मिलता है। हाँ जी हाँ जैसे मिसिंग अभी हमने फिगर एक चार्ट बनाया था उसमें लिखा था हमने टू और सेवन मिसिंग था तो कभी नहीं किया तो जैसे हमने एक बात की थी अभी हमने वीडियो में बात की थी क्लास में बड़ा कि जैसे टू और सेवन एक चार्ट बनाया था एग्जाम्पल में उसमें टू और सेवन मिसिंग तो हम उसको लेके बात की और हमने बाद में की एक जो एक नंबर 2 से ज्यादा बार रिपीट होगा उसका उसका भी क्या इम्पैक्ट रहेगा ये 2 चीजें पूछनी थी सर मेरे को। हाँ जी जितने ट्राई ट्राई करते हैं कवर करने का टाइम जितना कंस्टेंट रहे उतना कवर। हाँ कवर तो करने का प्लान है बट लेट्स सी मतलब मोस्टली फ्राइडे के दिन कवर करूंगा रिपीटेशन ऑफ नंबर क्या प्रभाव पड़ते हैं और नहीं मिसिंग नंबर का क्या प्रभाव।
वो कवर करूँ, ट्राई 99% ट्राई करूँगा कवर। हाँ जी चलिए जी, नीतू अरोड़ा जी हो गया ना। चलिए आज का सेशन समाप्त करेंगे और हाँ जी सर हाँ जी आप बहुत ही अच्छा करा रहे हैं, बहुत बारीकी से करा रहे हैं, मतलब एक जैसे टीचर छोटे बच्चे को पढ़ाता ना कान पकड़ के, ये नहीं आया आना चाहिए, बिल्कुल आप वैसे ही करा रहे हैं। क्योंकि थैंक यू मैं जी खुद भी टीचर हूँ तो मुझे आपका तरीका बड़ा ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। कोई भी कहाँ से बात जो दिमाग में घुस नहीं जाती ना तब तक आप उस बात को छोड़ते नहीं, मतलब दिस इज द ब्रिलियंट थिंग। थैंक यू सर। सर मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही थी, जैसे आपने मास्टर नंबर्स आपको लिखाए 11, 22 और 33, हाँ जी चैलेंज नंबर्स बताए हमको चार निकालने के लिए, लेकिन आपने पर्टिकुलर चैलेंज नंबर नहीं बताए कि कौन कौन से चैलेंज नंबर हैं। चैलेंज नंबर कोई भी आ सकता, 1 to 9 में कोई भी आ सकता। कोई भी आ सकता, उसका इम्पैक्ट जो है वो आप बताएंगे अगली क्लास में। यस, कल कल एट्रीब्यूट बताऊंगा, लकी अनलकी नंबर बताऊंगा, फिर चैलेंज नंबर के मीनिंग बताऊंगा। 3 फर्स्ट कल हो जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। चलिए जी, तो कल वी आर मीटिंग एट 2:31, कल हम लोग 2:30 बजे ही मिली कल, क्योंकि कल का आधा आधा एक घंटा चलेगा कल का, तो कल का कवर करने के लिए मुझे ये आज का जो टॉपिक है कल आधे घंटे में हो जाना चाहिए, मगर नहीं है, इसीलिए कल कवर करें। ओके, विल मीट टुमारो एट 2:30। चलिए जी, सबको राधे राधे। राधे राधे। लिंक दे दूंगा, प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वापस जाके कल की रिकॉर्डिंग, आज की रिकॉर्डिंग सुनोगे तभी जाकर कल समझ में आएगा, नहीं तो कल वाले सब बाउंस बैक हो जाएंगे, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। वो जो डक होता है ना, डक बताता, देखिए जो क्रिकेट में डक बताता है टीवी पे, वैसा डक होके चल जाओ तो फिर कल की क्लास समझ में नहीं आए। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल लकी और अनलकी नंबर भी बताऊंगा, कल आने वाले कोर्सेस के बारे में बताऊंगा, क्या इसके बाद 5 दिन के बाद क्या यात्रा होनी चाहिए उस कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, मेरे अपने कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, उसकी क्या स्ट्रक्चर होगा, उसकी फीस क्या होगी, सब बताऊंगा। तो कल जरूर अटेंड कीजिए, डोंट मिस, कल तो लकी और अनलकी नंबर निकालने का दिन। चलिए जी, सबको राधे 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 थैंक राधे यू। राधे राधे। थैंक यू।